39 था अपने पास, 39 है। हाउ मैनी एलिमेंट्स, हाउ मैनी एलिमेंट्स, हाउ मैनी एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5, ऑफ ऑर्डर 5 आर देयर, आर देयर इन ए सिक्स, इन ए सिक्स। सुनो सवाल है, ए सिक्स में 5 ऑर्डर के टोटल कितने एलिमेंट आएंगे? कितना? 144। क्या निकाले? 6 का पार्टीशन, 6 का पार्टीशन कौन सा हुआ? 5 और 1। वैसे तो होता है 3 3 6, लेकिन वहां पर ऑर्डर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, तो 5 वाले में एक ही पार्टीशन आएगा। कर लोगे? हो जाएगा। जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग ये इतना जाने, जब 6 का पार्टीशन करोगे तो एक पार्टीशन टूटेगा 5 और एक टूटेगा 1। यही वो एलिमेंट होगा, यही वो एलिमेंट होगा जिसमें हम कह सकते हैं कि इसका ऑर्डर कितना होगा, 5 होगा। यानी 5 लेंथ की साइकिल की बात हो रही है। अब 5 लेंथ की या के टाइप, के लेंथ की कितनी साइकिल हो सकती है, उसका फार्मूला लिखाए हुए हैं, उसी फार्मूले का इस्तेमाल कर लो। और नहीं हरकत है उसकी तो फैक्टोरियल 6 अपॉन एक लेंथ की एक साइकिल 1 की पावर 1, 5 लेंथ की एक साइकिल 5 की पावर 1, फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 144 आएगा। छोड़ दे रहे हैं, ठीक, ये हो गया। इसके बाद आना 40वां सवाल, सवाल नंबर 40। इसमें है इन एस फोर, इन एस फोर फाइंड अ साइक्लिक सब ग्रुप, फाइंड अ साइक्लिक, फाइंड अ साइक्लिक सब ग्रुप, फाइंड अ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4, ऑफ ऑर्डर 4 एंड अ नॉन साइक्लिक, एंड अ नॉन साइक्लिक, एंड अ नॉन साइक्लिक सब ग्रुप, सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। सॉल्यूशन, एस फोर में कह रहे हैं कि आप एक सब ग्रुप निकालिए जो कि साइक्लिक है और 4 ऑर्डर का है, और दूसरा सब ग्रुप निकालिए जिसका ऑर्डर तो 4 है लेकिन वो साइक्लिक नहीं है। पहला साइक्लिक सब ग्रुप, साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। चलो बोलो आंसर। अल्फा इज इक्वल टू 1 2 3 4। 4 लेंथ की साइकिल है, इसका ऑर्डर कितना होगा? 4 होगा, बिलोंग टू एस फोर। देन देन एच इज इक्वल टू, ना बस काम खत्म। 4 ऑर्डर का है तो 4 ही एलिमेंट को बनाएगा, अल्फा की पावर 1, अल्फा की पावर 2, अल्फा की पावर 3 और अल्फा की पावर 4 हो गया आइडेंटिटी परमुटेशन, काम खत्म हो गया। ठीक, इज रिक्वायर्ड सब ग्रुप, रिक्वायर्ड सब ग्रुप ये रहा। अच्छा दूसरे पर आना, नॉन साइक्लिक सब ग्रुप, नॉन साइक्लिक सब ग्रुप, सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। चलो इसका आंसर बताओ। एच इज इक्वल टू एप्सिलॉन, चलो आइडेंटिटी परम्यूटेशन, 1 3 बंद करें, इसके बाद 2 4 अगला कौन, 1 4 2 3 कॉमा हटा के, तो ये ब्रैकेट भी तो हटाएं। अच्छा इनटू में 1 4 इनटू 2 3, 1 2 3 4 एलिमेंट तो हो गया। नहीं समझ रहे ये क्या, 1 3 into 2 4 और अगला क्या लिखे, फिर 1 2 3 4 ऐसा।
प्लेन फोर ग्रुप, हर एलिमेंट इटसेल्फ ऑन इनवर्स, क्या कोई नया तो नहीं आएगा, क्या कोई नया तो नहीं आएगा? बेस थ्योरी क्या थी, बेस थ्योरी बताओ क्या? डी फोर ठीक सही, और कोई और? तुम लोग डाइहेड्रल नहीं पढ़े, तुमको डाइहेड्रल जाना भी नहीं है, वो गए डाइहेड्रल अच्छी बात है, तुम बोलो हाँ, आधे इवन आधे ऑड हाँ, नहीं दो ट्रांसपोजिशन कोई भी उठा लेते, इधर सुनो दो ट्रांसपोजिशन कोई भी उठा लेते हाँ या ना, होता ये जब आप दो ट्रांसपोजिशन कोई भी उठा लेते, जैसे तुमने 1-3 और 2-4 उठा लिया, तो अब अगला जो तैयार करते, अगला भी जो आता वो इटसेल्फ ऑन इनवर्स आता, आपको ऐसा ही खोजना था, तो इधर से 1-3 उठा लो, एक उठा लो 2-4, तो 1-3 मर्ज करा दो, 2-4 मर्ज करा दो, दो आपने मर्ज करा दिया, ये इटसेल्फ ऑन इनवर्स है, दो ऑर्डर का है, तो जैसे ही खुद से ऑपरेट करेगा आइडेंटिटी प्रोड्यूस करेगा, ये वाला अलग से लो, जैसे खुद से करेगा आइडेंटिटी करेगा, अब आप चालाकी ऐसा करो, चुनो इन दोनों को ऐसा कि अगला जो निकल करके आए वो भी दो लेंथ की एक साइकिल ही आए, तो तीन एलिमेंट आए दो दो लेंथ की साइकिल इटसेल्फ ऑन इनवर्स, और एक एप्सिलॉन वो भी इटसेल्फ ऑन इनवर्स, तो डी फोर जाने की कोई जरूरत नहीं है, उसके अलावा भी काम हो सकता है, आई बातें समझ में, कर सकते हो, लेकिन सवाल यही है, ये नहीं कह सकते हो कि अल्फा का ऑर्डर दो है बीटा का ऑर्डर दो है तो अल्फा इंटू बीटा का ऑर्डर भी दो होगा, ये गारंटी नहीं दे सकते हो, दे दोगे गारंटी? अरे अभी भी सोच में पड़ गए, दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो? नहीं दे सकते, नहीं नहीं नहीं, एक बात सोच करके बताओ, तब वो तो ऑलरेडी अबेलियन ग्रुप नहीं है, उसकी बात छोड़ो, ये कहा जा रहा है अल्फा का ऑर्डर दो है बीटा का ऑर्डर दो है, अल्फा बीटा दो परमुटेशन है, मतलब दो दो लेंथ की कोई साइकिल है, तो अल्फा दो लेंथ की एक साइकिल, बीटा दो लेंथ की एक साइकिल, तो अल्फा बीटा भी दो लेंथ की एक साइकिल होगी या नहीं होगी? मे आर मे नॉट, मे कब होगी? अच्छा छोड़ो, मे नॉट कब होगी, नहीं हो सकती, जब डिसजॉइंट रहेगी तो कभी दो लेंथ की साइकिल नहीं होगी जनाब, तभी होगी, फिर वही गड़बड़वाए, द ऑर्डर ऑफ, याद आया, इफ अल्फा कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल अल्फा 1 इनटू अल्फा 2 इनटू अल्फा 3 इनटू अल्फा आर, देन ऑर्डर ऑफ अल्फा इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ अल्फा 1 ऑर्डर ऑफ, एक मिनट रुक दो, बाय करने आई है हाँ 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 हो गया काम, कौन सा? नहीं, ये जो लिए हैं, ये जो बनाए हैं अर्पित, ये डाइहेड्रल सोच करके बनाए हैं डी फोर से, ठीक, तुम लोग डाइहेड्रल नहीं पढ़े हो, तो जब नहीं पढ़े हो तो तुम लोगों को डाइहेड्रल अभी सोचने की जरूरत भी नहीं है, तुम लोगों के लिए सबसे आसान काम है वो इनका ऑर्डर का फॉर्मूला याद रखो, अल्फा अगर कोई परमुटेशन है तो एवरी परमुटेशन कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल, यानी आप अल्फा को लिख सकते हो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 इनटू सो ऑन अल्फा आर, तो अब अगर कोई ऑर्डर ऑफ अल्फा मांगे तो हम लोग क्या कहेंगे, द ऑर्डर ऑफ अल्फा इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ अल्फा 1 कॉमा ऑर्डर ऑफ अल्फा 2 कॉमा सो ऑन ऑर्डर ऑफ अल्फा आर, यही होगा कि नहीं? अब मेरे सामने समस्या आई, हमको एक ऐसा सब ग्रुप बनाना है जो चार ऑर्डर का हो लेकिन साइक्लिक ना हो, तो दिमाग में एक बात आती है, क्लेन फोर ग्रुप है अपने पास, क्लेन फोर ग्रुप चार ऑर्डर का होता है लेकिन वो साइक्लिक नहीं होता, क्यों? क्योंकि उसमें जितने एलिमेंट है इटसेल्फ ऑन इनवर्स है, आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 है, आइडेंटिटी के अलावा बाकी जो तीन लोग बचे वो हुए ए बी और ए और बी का प्रोडक्ट ए बी, इन सब का ऑर्डर कितना है? दो दो है, तो बस यहीं पर आपका कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया, कंस्ट्रक्शन ये कहता है कि आप दो ऑर्डर की एक साइकिल उठा लो या दो लेंथ की एक साइकिल ट्रांसपोजिशन उठा लो, दो लेंथ की अगली ट्रांसपोजिशन उठा लो, लेकिन अब जो पहला उठाया दो लेंथ का उसको ए मान लो, जो दूसरा उठाया उसको बी मान लो, तो ए इंटू बी का ऑर्डर दो ही बना रहना चाहिए, ये तभी हो सकता है जब वो दोनों साइकिलें कैसी हो, टोटली डिसजॉइंट हो, तो जो तुमने कहा पहला उठा लो 1-2 दूसरा उठा लो 3-2 तो 1-2 का ऑर्डर दो, हाँ 3-4 तो 1-2 का ऑर्डर दो 3-4 का ऑर्डर दो और 1-2 × 3-4 ये टोटली डिसजॉइंट थी, तो इसका भी ऑर्डर कितना निकलेगा? दो निकलेगा, बस आपका चार ऑर्डर का सब ग्रुप पूरा हो गया और एक आइडेंटिटी रहा ही रहा, सबसे आसान कंस्ट्रक्शंस है वो, सबसे आसान कंस्ट्रक्शंस, जब आप केवल इसी फार्मूले को दिमाग में रख करके काम कर रहे हो, क्लियर हुआ?
कौन सा करोगे? ये वाला तुम किए हो, दूसरा वाला भी कर दो, बात ही खत्म हो गई। लिख देना, ये वाला हटा रहे हैं हम, ठीक। ये लोग डाइहेड्रल नहीं पढ़े हैं। बेस आइडिया क्या है इसका? क्लीन क्लीन फोर ग्रुप, क्लीन फोर ग्रुप आइडेंटिटी ए बी ए बी, ठीक। आल हैव ऑर्डर टू, ये इसका बेस आइडिया है। अब हम कंस्ट्रक्शंस यहां पर कर दे रहे हैं। टेक अल्फा इज इक्वल टू वन टू, बीटा इज इक्वल टू थ्री फोर, इंप्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ अल्फा इज इक्वल टू टू, इंप्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ बीटा इज इक्वल टू टू, देन अल्फा बीटा इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर, ठीक। इंप्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ अल्फा कॉमा ऑर्डर ऑफ बीटा आल्सो इज इक्वल टू टू, देयरफॉर एच इज इक्वल टू एप्सिलॉन, फिर वन टू, अगला कौन होगा थ्री फोर, और फिर वन टू इंटू थ्री फोर। मेरे ख्याल से आ तो रहा ही होगा, आ रहा है, कट गया, ब्रैकेट थ्री फोर आ रहा है, बस ठीक है, उतने तक चल जाएगा। सबसे सिंपल कंस्ट्रक्शन से क्लीन फोर ग्रुप। अगर अगला आ गया होगा बहुत अच्छी बात है, हमको आइडिया चाहिए और कुछ नहीं। मेन आइडिया अगर पकड़ पा गए तो कुछ नहीं, बस आज ही है, कल हम आइसोमॉर्फिज्म पढ़ाएंगे, आज जो हो जाए इसमें ठीक है, इसके बाद हम आइसोमॉर्फिज्म पढ़ाएंगे। क्या हुआ ना, कुछ सोच में पड़ गए, किस बात का नहीं आया इसलिए ना, हम लोग असली विकी कौशल हम ही लोग हैं, ये दुख खत्म काहे नहीं होता है, उसी का तो डायलॉग है। नहीं, तुम तो उसका जेंडर ही चेंज कर दिया बेचारे का। हाँ, किसके ऊपर? हाँ, साइंस फिक्शन टाइप में बनाए हैं। हाँ, अरे राम राम राम, बड़ी बेइज्जती है। मिटा दिया जाए, अब मूवी देखने से देशभक्त डिसाइड होंगे, ऐसा कह दिया। यार जिसके पास टाइम ही ना मूवी देखने का, वो 41वां सवाल, 41वां, सपोज दैट बीटा इज अ 10 लेंथ साइकिल, बीटा इज अ 10 साइकिल, सपोज दैट बीटा इज अ 10 साइकिल फॉर विच इंटीजर्स, For which integers? For which integers? I between 2 and 10, between 2 and 10 is beta ki i also, beta ki power i hai ye, jaane rakhna, also a 10 cycle. Also a 10 cycle. 2 से 10 के बीच में ही इंटीजर की तलाश कर रहे हैं कि 2 से 10 के बीच में वो कौन सा इंटीजर होगा जिस इंटीजर को चुन के बीटा की पावर के तौर पर लगाने पर जो परमुटेशन बनेगा वो 10 ऑर्डर की एक साइकिल होगी या 10 लेंथ की एक साइकिल होगी। बेस आइडिया बोलो। हाँ, मेरे को जवाब चाहिए, सही गलत कुछ भी हो, बस जवाब दो। हाँ, हाँ,
ऑर्डर ऑफ बीटा की पावर आई इज इक्वल टू 10, ठीक। वापस 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 सही चल रहे हो, वापस बोलो। ऑर्डर ऑफ बीटा इज इक्वल टू 10 है, ठीक। अब ऑर्डर ऑफ बीटा की पावर आई हमको 10 चाहिए, हाँ। ये तब पॉसिबल है जब जीसीडी ऑफ आई कॉमा 10 इज इक्वल टू कितना हो जाए, 1, यानी को प्राइम रूट, सही है, यही इसका जवाब। शुरुआत में जहां हम लोग किए होते अल्फा टू दी पावर आई इज इक्वल टू अल्फा टू दी पावर जे इफ एंड ओनली इफ जीसीडी ऑफ आई कॉमा जे इज इक्वल टू 1, या जीसीडी ऑफ आई कॉमा ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ए इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ जे कॉमा ऑर्डर ऑफ ए, इससे दोनों सेम होना चाहिए था, बस उसी रिजल्ट का इस्तेमाल करके आंसर सही है। लग तो गया जी, काय दुख नहीं कम हुआ, सोल्यूशन लिखना, ऐसी खोपड़ी चलाओगे आएगा। सिंस द ऑर्डर ऑफ बीटा इज इक्वल टू 10, इसका मतलब ये हुआ, उसी साइक्लिक ग्रुप वाले स्ट्रक्चर में चले जाओ, इसका मतलब ये हुआ द सब ग्रुप जनरेटेड बाई बीटा इज अ साइक्लिक सब ग्रुप, इज अ साइक्लिक सब ग्रुप, इज अ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10, ठीक। तो बीटा टू दी पावर आई इज आल्सो अ जनरेटर इफ एंड ओनली इफ, केवल और केवल तब, ये तभी जनरेटर हो सकता है जब जीसीडी ऑफ आई कॉमा 10 इज इक्वल टू 1, ठीक। और ऐसे मामले में आप लोग जानते हो ऑर्डर ऑफ बीटा की आई 10 ही हो जाएगा, हाँ है ना। तो दिस इंप्लाइज दैट I will be, I क्या होगा बोलो, 10 के साथ को प्राइम, लेकिन 2 से बड़ा होना चाहिए। सोचो वो क्या कहा है, 2 से 10 के बीच में, अभी पहले हम लिख दे रहे हैं आई विल बी 1 कॉमा बोलो 3 कॉमा कितना 7 कॉमा 9, ठीक। सो बिटवीन 2 and 10, बिटवीन 2 and 10 बीटा टू दी पावर 3, बीटा टू दी पावर 7 एंड बीटा टू दी पावर 9 हैव ऑर्डर 10। इन सभी के ऑर्डर कितने होंगे, 10 होंगे, क्योंकि जो जनरेटर होगा जनरेटर का ऑर्डर 10 होगा। क्लियर हुआ, इकतालीसवां चल रहा है, आधा पहुंच गए हैं, 80 सवाल हैं टोटल इसमें, 80 है ना, आधा 83 है ना, समझ लो आधा पहुंच गए, आज जितना होगा होगा, कल आइसोमॉर्फिज्म पढ़ाएंगे, सही है ना, हाँ नहीं आइसो पहले है ना, इसके बाद आइसोमॉर्फिज्म पढ़ाएंगे, बाकी का हिस्सा तुम्हारे जिम्मे है, ठीक। बाकी का हिस्सा तुम लोग मेहनत करो लगाओ, क्योंकि अब 80 लगाएंगे ना तो वो दिन चाहिए उतने, और उतने का नहीं है, ठीक। मेहनत करो, आएगा आएगा, जो नहीं आएगा उसके लिए तुम बैठे ही हैं, लगाओ बताएंगे बताएंगे, ऑब्वियस सी बात है। मिटाया जाए, हो गया, तुम लोगों को वो नहीं रिवीजन करना पड़ेगा, ऑटोमॉर्फिज्म जैसे आइसोमॉर्फिज्म चलाएंगे उसी में आ जाएगा। लिखना 43 कौन सा था, 42वां होगा ना पहले, हाँ 42वां सवाल है। इन S3 फाइंड एलिमेंट्स अल्फा एंड बीटा सच दैट द ऑर्डर ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 2, ऑर्डर ऑफ बीटा इज इक्वल टू 2 एंड ऑर्डर ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3। मेरे ख्याल से तुमको जवाब अभी मिल चुका होगा, अभी अभी तो दिए इसका जवाब,
अगर अल्फा और बीटा दोनों डिसजॉइंट हो गए तो अल्फा इंटू बीटा का ऑर्डर हमेशा दो बना रहेगा, तो इसका मतलब इसका जवाब है अल्फा और बीटा को डिसजॉइंट होने से रोक दिया जाए। काम हो गया अपना, ठीक। सॉल्यूशन सिंपली ले लो, टेक अल्फा इज इक्वल टू 1 2, बीटा इज इक्वल टू 2 3। सहमत हो? इंप्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 2, इंप्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ बीटा इज इक्वल टू 2। तो अल्फा बीटा देख लेते हैं, अल्फा बीटा इज इक्वल टू, ये बताओ, बीटा से शुरुआत करो, 1 की इमेज 1, 1 की इमेज 2, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 3, तो 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 2, 2 की इमेज 1 हो गया, implies that order of alpha beta is equal to 3। और इसका जवाब वहीं से निकल करके आया, दोनों अगर disjoint ले लिए होते तो order 2 बना रह जाता। 43वां सवाल इसका, 43। फाइंड ग्रुप एलिमेंट्स फाइंड ग्रुप एलिमेंट्स अल्फा एंड बीटा इन S5 सच दैट द ऑर्डर ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 3, कॉमा ऑर्डर ऑफ बीटा इज इक्वल टू 3 एंड ऑर्डर ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू 5। सेम क्वेश्चन है, सेम। अल्फा का ऑर्डर 3 चाहिए, बीटा का 3 चाहिए। जवाब है अगर दोनों डिसजॉइंट हुआ तो अल्फा इंटू बीटा का ऑर्डर भी कितना होगा? 3। इसका मतलब दोनों को डिसजॉइंट होने से रोक दो। अब तुम बताओ इसका आंसर, अल्फा कितना ले सॉल्यूशन में? अल्फा इज इक्वल टू 1 2 3, बीटा इज इक्वल टू 3 4 5, यही। तो ये एक सिंबल कॉमन हो गया, तो अल्फा बीटा देख लो क्या हो जाएगा। अल्फा बीटा 1 की इमेज 1 1 की इमेज 2 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 4, 3 की इमेज 4, 4 की 5, 5 की 5, 4 की 5, 5 की 5, नहीं 5 की 3, 3 की 5। ऑर्डर ऑफ अल्फा 3, ऑर्डर ऑफ बीटा 3, ऑर्डर ऑफ अल्फा बीटा 5, सही। तैतालीस, 44 में बकवास है, करवाए ना करवाए कोई मतलब नहीं है। 44 में कहा है D3 के एलिमेंट को आप परमुटेशन के तौर एलिमेंट के तौर पर लिखिए, बहुत सिंपल सा है, ठीक। एक दिखा दे रहे कैसे लिखोगे, बाकी अपने आप से कर लेना, वो कोई करने की जरूरत ही नहीं है। मिटा जाए, फोर्टी फोर रिप्रेजेंट द सिमेट्री ग्रुप, रिप्रेजेंट द सिमेट्री ग्रुप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एज अ ग्रुप ऑफ परमुटेशंस ऑफ इट्स वर्टिसेस। करे रिप्रेजेंट द सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल का सिमेट्रिक ग्रुप होता है उसको आप रिप्रेजेंट कीजिए कैसे, एज अ ग्रुप ऑफ परमुटेशन, जैसे वो परमुटेशंस का ग्रुप है, लेकिन परमुटेशन भी किसका किया जाएगा, ऑफ इट्स वर्टिसेस, इसके जो सिरे हैं उनका परमुटेशन। परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, तो आप इसको एक अरेंजमेंट ग्रुप या परमुटेशन ग्रुप के तौर पर इसको एक्सप्रेस कीजिए, जहां पर आप प्रमोट करोगे किसको, केवल इस इक्विलेटरल जो समबाहु त्रिभुज है जिसके तीनों भुजाएं बराबर हैं, उस इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस को आप क्या कर रहे होगे, परम्यूट कर रहे होगे। तो इसमें कुछ नहीं करना, तुमको फटाफट फिगर बना लेना है बस खाली, और फिगर कैसे है वो देख लेना। जैसे ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है,
अब हमेशा जो नामकरण संस्कार होता है ना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, तो यहां पर मैंने लिखा वन, यहां पर टू, यहां पर थ्री। तो गौर करना, सबसे पहले आपका होता है आर जीरो का रोटेशन, जो इसको बिल्कुल बदलेगा नहीं, ये जैसा था वैसा ही आपको नजर आएगा, वन टू थ्री। तो इसका मतलब आपका एप्सिलॉन जो मिला आइडेंटिटी, वन की इमेज, वन टू की इमेज, टू थ्री की इमेज, ये हो गया। अगला देखना, अगले वाले में 120 डिग्री का रोटेशन होगा, वन टू थ्री। अब जब 120 डिग्री इसको रोटेट करोगे तो ये इसको कहेंगे आर 120। अब सोचो जैसे ही 120 डिग्री रोटेट हुआ होगा क्या, ये वन यहां से उठ करके यहां चला आएगा, ठीक, टू यहां चला जाएगा और थ्री यहां चला आएगा, हाँ या ना। तो इसको हम नाम देते हैं सिग्मा वन, और एक्चुअल में ये सिग्मा वन कौन है ये बताओ, वन कहां गया, टू पर, हाँ तीन पर काहे के लिए, वन कहां गया, टू पर, टू कहां गया, थ्री पर, थ्री कहां गया, वन पर, आप समझे। तो इसका मतलब यहां पर तुम लिखोगे वन की इमेज टू, टू की इमेज थ्री, थ्री की इमेज आर 120। समझ में आया, नोट करो। ये कुछ ऐसा हो रहा है, वन की इमेज टू, टू की इमेज थ्री, थ्री की इमेज, एक और बना दें और बाकी लिख दें कंटिन्यूइंग इन दिस वे। तो एक और बना दे रहे हैं, 120 के बाद कौन सा रोटेशन होगा, वन टू थ्री, 120 के बाद फिर 120, तो आर 240। लेकिन ये बताओ आर 240 का मतलब ना ऊपर वाला रोटेट करेगा 120 डिग्री, ये करेगा 240, लेकिन 240 इकट्ठे तो होगा नहीं, पहले 120 फिर 120, तो 120 पर ये आया था, अब फिर 120 हो जाएगा, तो ऊपर वाले से नीचे वाला बना दो। ये बताओ ये वन यहां चला आएगा, ये दो यहां चला आएगा, ये तीन यहां चला जाएगा। तो एक्चुअली में अब जो आपका सिग्मा टू बन रहा है, तो सिग्मा टू आपका कौन बन रहा है, वन की इमेज थ्री। सहमत हो कि नहीं, गौर करो, वन उठ करके कहां गया, यहां तीन वाली पोजीशन पर, तो वन की इमेज थ्री। इसी तरीके से फिर टू की इमेज, बोलो टू की इमेज कितना, वन और थ्री, तो एक काम करो ना पहले थ्री की लिख देते हैं, थ्री की इमेज, थ्री की इमेज टू, और फिर टू की इमेज वन, ये हो गया। सिमिलरली अदर, बस यही लिख दो सिमिलरली फॉर अदर। अब ये तीन रोटेशन हो चुके हैं, अब तीन रिफ्लेक्शन होगा, तो वो भी ना, हाँ तुम लोग जो लोग नहीं देखे हो, ये लोग बस खाली ऐसे देख लो, लिखना मत, तुम लोग लिख सकते हो, ये लोग नहीं लिखेंगे, इन लोगों को कोई जरूरत नहीं। वन टू थ्री, ये हो गया। एक होता है ये रिफ्लेक्शन, इस वर्टेक्स के अबाउट रिफ्लेक्शन, तो जब इसके अबाउट रिफ्लेक्शन करोगे तो गौर करो, वन तो वन की जगह पर रहेगा, टू की इमेज यहां आ जाएगी और थ्री की इमेज यहां चली जाएगी। तो ये जो आपका बन रहा है, ये बन रहा है वन की इमेज वन ही रहा, क्योंकि वन ने अपनी पोजीशन को नहीं बदला, लेकिन टू की इमेज थ्री और थ्री की इमेज, ये बन गया कि नहीं। अब ये बताओ अगर हम अगला निकालें, तो अगला हम लोग क्या निकालें, अगला हम लोग वन टू थ्री, तो अभी इस वर्टेक्स से किए, अब इस वर्टेक्स से करो, तो ये फिक्स रहता है, और ये दोनों, इसको एक शीशे के तौर पे मानो, ऊपर वाले की इमेज नीचे, नीचे वाले की इमेज ऊपर, तो वन की इमेज थ्री, थ्री की इमेज वन और टू की इमेज टू। तो अगला वाला किससे हो जाएगा, सीधे, तो थ्री की इमेज थ्री रहेगी, वन की टू, टू की वन, लिख सकते हो खुद से, तो इसको बस आगे लिख दो सिमिलरली फॉर अदर। हो गया ये, आगे जो छूटेंगे उनके लिए लगाने की कोशिश करना, नहीं आएगा बता देंगे, लेकिन इसके बाद की सारी मेहनत तुम्हारी होगी। अब हम तुमको आइसोमार्फिज्म सिखाएंगे, ये हम बार बार इसलिए कह रहे हैं जिससे आगे के क्वेश्चन जो बचे हैं वो छूटे ना, लगा डालो, जितने लगाए रहोगे उतनी ही ज्यादा चीजें आसान होंगी, नहीं लगाओगे भाई मुश्किल तो है ही, आसान तो कुछ है नहीं। मिटाया जाए इसको, Ahem.
कितना हो गया, 44 हो गया, 45, 45 मुझको कराना ही नहीं बिल्कुल भी, लिखे हुए प्रूफ दैट, प्रूफ दैट स्टेटमेंट है ये, SN, SN इज नॉन अबेलियन, नॉन अबेलियन ग्रुप, नॉन अबेलियन फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, स्टेटमेंट है SN इज नॉन अबेलियन फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3. अबेलियन हम ये जानते हैं, SN ग्रुप तो बनाता है, ये तो हम शुरुआत से ही जानते हैं कि ये ग्रुप तो बनाएगा बनाएगा, लेकिन आपको साबित करना नॉन अबेलियन बनाएगा. तो नॉन अबेलियन का मतलब होता है कम्यूट ना करना. आप कोई भी दो एलिमेंट उठा लो, उनको अल्फा इंटू बीटा कर लो, बीटा इंटू अल्फा कर लो, वो कभी भी आपस में कम्यूट ना करें, बस ये नॉन अबेलियन हो गया. क्लियर हुआ? तो मुझको कराने की कोई जरूरत, एक काउंटर एग्जाम्पल दे देना बस. हाँ हाँ तुम जो बोले ये सही है. दो मिनट टैप करो, दो मिनट इसको रोको, इसमें बहुत मेहनत नहीं करनी. सुनो ये इतना सिंपल है, हमको ये पता है एसएन ग्रुप बनाता है, वो हमको पता है, ठीक. तो फॉर एन इज इक्वल टू 3 के लिए आप कोई भी दो एलिमेंट चुन लो, एन इज इक्वल टू 3 के लिए, एन इज इक्वल टू 4 के लिए, या एन जनरली आप कुछ ले लो और कोई भी दो ले लो, या आप सिंपली लिख दो वी नो दैट वन वन आंटो फंक्शन या फॉग डज नॉट इक्वल टू गॉफ इन जनरल. आप यही लिख दो, फॉग डज नॉट इक्वल टू गॉफ. फॉग में एफ कौन है, वन वन आंटो, जी कौन है, वन वन आंटो, तो फॉग वन वन आंटो, गॉफ वन वन आंटो, और कम्यूट करे इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो क्या वो अबेलियन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, बात ही खत्म वहीं पर. क्लियर हुआ? एग्जाम्पल से दिखा सकते हैं, ना कराएं कुछ, छोड़ दे रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक. 46वें पर आना, 46वां प्रूफ दैट, प्रूफ दैट ए एन, ए एन इज नॉन अबेलियन, ए एन इज नॉन अबेलियन फॉर ऑल, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4. ये याद रखना, दोनों में अंतर है. एस एन की अगर बात करोगे तो एस एन नॉन अबेलियन होना शुरू हो जाता है 3 से, और ए एन की बात करोगे तो ये नॉन अबेलियन शुरू हो जाता है कितने से, 4 से. अंतर यहीं पर आता है. तो ये गलती से ना कहना ए एन इज द सब ग्रुप ऑफ एस एन, सो इट इज नॉन अबेलियन, क्योंकि ग्रुप आपका अबेलियन हो ना हो, सब ग्रुप अबेलियन हो सकता है, ठीक. तो ए एन इज द सब ग्रुप ऑफ एस एन, लेकिन आपको कहना है एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 के लिए एस एन भी कभी भी आपका अबेलियन नहीं हो सकता. फिर काउंटर एग्जाम्पल उठा लो, 4 सिंबल के लिए है, तो 4 सिंबल के लिए तो ए एन कितने का कलेक्शन है, इवन परम्यूटेशन का, 1 2 3 इवन परम्यूटेशन है कि नहीं भाई. 3 लेंथ की साइकिल, दिखने में सिंबल कितने हैं, ऑड, तो इसका मतलब आप इसको कैसा परम्यूटेशन कहोगे, इवन, 1 2 3, और फिर एक और ले लो 2 3 4, 1 2 3 2 3 4, 4 सिंबल पर बात कर रहे हैं, तो 1 2 3 और 2 3 4 का दोनों का आपस में प्रोडक्ट करा दो, ये का आपस में कम्यूट नहीं करेंगे, और जैसे कम्यूट नहीं किए इनकार कर दो, कह दो कम्यूटेटिविटी डज नॉट होल्ड, सो इट इज नॉन अबेलियन. हाँ हाँ, एक्चुअली नॉन अबेलियन का मतलब ना इनकार करना है कि अबेलियन नहीं है. तो एक एग्जाम्पल उठाओ, पीट दो उसी पे सबको, काम खत्म हो गया. चलें आगे, ये भी नहीं करवा रहे, ठीक. इसके बाद आना 47वां. अब लेकिन ये स्टेटमेंट याद रखना, ठीक, एसएन कब अबेलियन नहीं होता, एसएन कब अबेलियन नहीं होता, एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 से, 3 और 3 के बाद वो कभी भी अबेलियन होने वाला नहीं है. ए एन 4, अच्छा ग्रेटर देन, हाँ नहीं धोखे में ग्रेटर देन आर इक्वल टू कर दो 4, 47 बच गए, बड़े सही. फॉर एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, फॉर एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, लेट कैपिटल एच इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ बीटा बिलोंग टू एस एन सच दैट बीटा ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 or 2, और बीटा ऑफ 2 इज इक्वल टू 1 or 2. प्रूव दैट, प्रूव दैट कैपिटल एच इज अ सबग्रुप
प्रूव दैट कैपिटल एच इज अ सब ग्रुप ऑफ एस एन. डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ एच. अब ये ऑप्शनल में बड़ा अच्छा सवाल बन सकता है. ऑप्शनल में यही स्टेटमेंट लिख दें और लिख दें विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू. एच इज अ सब ग्रुप ऑफ एस एन, एच इज नॉट अ सब ग्रुप ऑफ एस एन. इसके बाद फिर ऑर्डर ऑफ एच जो कुछ भी हो वो सारे ऑप्शन सजा दें. कौन सा ऑर्डर भी आसान था. सुनो, कह रहे हैं आप एसएन से उन्हीं परमुटेशंस को इकट्ठा कीजिए जो परमुटेशन एक खास बिहेव दिखाए. बिहेव क्या है? वन की इमेज को या तो वन पर भेजेंगे या तो दो पर भेजेंगे और कहीं नहीं भेज सकते. टू की इमेज को या तो वन पर भेजेंगे या तो दो पर, मतलब वन और टू आपस में परम्यूट हो सकते हैं लेकिन किसी और के साथ परम्यूट नहीं हो सकते. ऐसे ही परम्यूटेशन इकट्ठे करने हैं. और पूछ रहा है क्या ऐसे परम्यूटेशन का कलेक्शन सब ग्रुप बनाएगा या नहीं. ये तो कह रहे हैं कि साबित कीजिए ऐसे परम्यूटेशन का कलेक्शन सब ग्रुप बनाएगा ही बनाएगा. तो ऐसे कितने परम्यूटेशन टोटल होंगे जो वन की और टू को आपस में अदला बदली कर सकते हैं लेकिन किसी और पर भेजने वाले नहीं है. आपको ऐसे परम्यूटेशन की संख्या निकालनी है. शुरुआत करो सबसे पहले क्लियरली, स्पष्टता क्लियरली. कैपिटल एच डज नॉट इक्वल टू फाइव. स्पष्ट है कि एच कभी भी फाई नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? एज देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी एप्सिलॉन बिलोंग टू एच सच दैट द एप्सिलॉन इमेज ऑफ वन इज इक्वल टू वन एंड एप्सिलॉन इमेज ऑफ टू इज इक्वल टू टू. कहीं एक जगह तो भेजना था, उसने भेज दिया वन को वन पर, टू को टू पर. क्लियर हुआ कि नहीं? सो लेट अल्फा कॉमा बीटा बोथ बिलोंग टू द कैपिटल एच. ये दोनों एच के हैं. देन चलो भैया अल्फा बीटा इनवर्स को भी एच में लाना है. तो अल्फा बीटा इनवर्स ऑपरेटेड ऑन वन, पहले काम ये करो कितना आएगा. दिस इज इक्वल टू अल्फा बीटा इनवर्स ऑपरेटेड ऑन वन. ये बताओ कुछ याद आ रहा है कल वाली बात? बीटा वन को वन पर भेजेगा और या तो वन को टू पर भेजेगा, इसके अलावा तो नहीं भेजेगा. अब गौर करना, बीटा एक परम्यूटेशन था जिसने वन को वन पर भेजा होगा. आगे किसको कहां भेजा मुझको उसका लेना देना नहीं है. और बीटा वो परम्यूटेशन था जिसने या तो वन को टू पर भेजा होगा. हाँ या ना, सहमत हो? एक और चीज दो गौर करो, आपने बीटा कहां से लिया? एच से. तो बीटा दो बिहेव कर रहा है, वन पर ऑपरेट करेगा तो या तो वन पर भेजेगा या तो टू पर, टू पर ऑपरेट करेगा तो या तो वन पर भेजेगा या तो टू पर. तो जरा पहले वाले को सही सलामत हो रहा, अगर बीटा ने वन को वन पर भेज दिया तो पक्की बात है टू को कहां भेजेगा? टू पर ही भेजेगा. तय हुआ, टू को टू पर. लेकिन किसी और को कहां भेजेगा उससे अपना कोई लेना देना नहीं है. अगर बीटा ने वन को टू पर भेज दिया तो उसकी मजबूरी है टू को कहां भेजेगा? वन पर. हाँ ना, अब जरा तुम बीटा का इनवर्स करो दोनों में. दोनों में बीटा का इनवर्स करोगे तो क्या यही परम्यूटेशन पलट जाएगा कि नहीं? बाकी के साथ क्या हो रहा है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है लेकिन यह पता चल रहा है इसको पलटने से जो बीटा इनवर्स हुआ उसने या तो वन को वन पर, टू को टू पर भेजा और या तो फिर देखो ये ऊपर जाएगा टू की इमेज वन, वन की इमेज टू. सेम वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका मतलब बीटा इनवर्स वन पर ऑपरेट करेगा तो देगा क्या? अल्फा ऑफ वन और या तो वन देगा और या तो कितना देगा. इसमें किसी को तकलीफ तो नहीं? अच्छा अब गौर करो, अल्फा कौन है? अल्फा बिलोंग करता है एच से और एच में जो है वो या तो वन को वन पर भेजेगा और या तो टू पर भेजेगा. तो इसका मतलब इमेज क्या आएगी? वन. और सहमत हो कि नहीं सहमत हो? तो सोचो अल्फा बीटा इनवर्स वन पर ऑपरेट किया तो या तो वन पर भेजेगा वन को और या तो टू पर. और सेम कंडीशन अल्फा बीटा इनवर्स जरा टू पर ऑपरेट कराओ, टू पर क्या हाल देगा बोलो. दिस इज इक्वल टू अल्फा ब्रैकेट में बीटा इनवर्स ऑपरेटेड ऑन टू. सेम सिचुएशन फिर वही बनाएगा, टू पर भी करेगा तो कहां भेजेगा? या तो वन पर या तो टू पर. दिस इज इक्वल टू अल्फा ऑफ वन और टू एंड रिजल्ट अगेन सेम वन और टू. बोल भैया अल्फा बीटा इनवर्स एच में आ गया कि नहीं आ गया? फाइनली दिस इंप्लाइज दैट this implies that alpha beta inverse belong to capital H and this implies that H is a subspace of SN. लिख देना
नोट कर लो। ऐसे सुबह पढ़ाओ शाम को पढ़ाओ, लगता है ना आंख फट करके बाहर गिर जाएगी जलते जलते। सच कुछ हमको वही वाला हो गया तो होगा नहीं, यही सबसे बड़ी विडंबना, होगा ही नहीं। लेकिन असली मजा हमको सही में कल रात में ही आई थी, जब नींद नहीं आ रही थी अच्छे से, तब जब मैंने ना एक ग्लास रोटी पी हुई है ठंडी ठंडी, तब असली मजा आई, तब मेरे को नींद आई है। अच्छा जुखाम हो जाए तो लेट करके अगर सोने की कोशिश करो, नाक और बंद हो जाती है, और जब बैठे बैठे सो तो सो जाओ आराम से। बॉडी का मशीन एकदम अलग तरीके से काम करता है, लेटने पे नींद ना आए, बैठे बैठे ही आराम से नींद आए। अभी तो वो सबके बड़े तेजी से हो रहा है चेचक ना, बड़े तेजी से अभी जिसको देखो उसको चेचक सुनने में आ जाता है। हुआ है इकट्ठे सब हो गया उनको, हरी राम राम। अभी क्या हाल है, ठीक ठाक है? इसी 28 नवंबर को, और चेचक हुए कितने दिन हुआ? हाँ, और ये तो हो चुकी शादी, मंदिर में करके छुट्टी करें फिर। अब एक ही रास्ता है, मंदिर में करके छुट्टी करें, ऐसे में शादी कौन अटेम्प्ट करेगा? पता चलेगा वहीं और डीजे बजेगा, ऊपर निकल जाएंगी मंडप से ही। हाँ, यंग इसके उनकी बिटिया की शादी है। अच्छा, अप्रोक्सीमेट कितने तक पहुंची होंगी? हाँ तो यंग एज कहाँ है, मतलब ये है कि हाँ थोड़ा जी चुकी है ज्यादा। हाँ क्या देखें, अरे सब ग्रुप है, भावनाओं में बैठे सुबह लीनियर अलजेब्रा चल रहा है ना, वहां सब स्पेस चल रहा है, और सेम टेस्ट लग जाता है उधर भी। हाँ पड़ोसी जग रहा है, सब वो सब ग्रुप लिख दो, दिमाग में वही चलता है सब स्पेस ही। अच्छा चलो आप इनका ऑर्डर बताओ, इनका ऑर्डर क्या होगा? इनका ऑर्डर लेट अल्फा बिलोंग टू कैपिटल एच, देन अल्फा इज इक्वल टू, गौर करना, वन की इमेज, वन टू थ्री फोर अप टू सो ऑन एन। ये बताओ अपने दिमाग से सोच करके, बचा बचा ये जगह कितने तरीके से भरी जा सकती है? सिर्फ दो तरीके से, तो टू वेज। अच्छा जैसे ये टू वेज हुआ, देन उसके बाद ये जगह कितने तरीके से भरी जाएगी? एक तरीके से, वन वेज। उसका रीजन है, वन या तो वन पर जाएगा या तो टू पर जाएगा, तो इसके पास दो तरीके। लेकिन अगर ये वन पर चला गया तो इसकी मजबूरी है दो पर जाना, अगर ये दो पर चला गया तो इसकी मजबूरी वन पर जाना। तो उसको भरने के एक ही तरीके, इसको भरने के n माइनस टू वेज, इनके लिए n माइनस थ्री, वन का है n माइनस थ्री, घट रहे महाराज, n माइनस थ्री वेज, और लास्ट में चलते चलते इसके लिए वन वेज, वन वेज। तो इसका मतलब ये हुआ अल्फा कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन टू इंटू वन इंटू, इसको एक साथ कर देते हैं, एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री इंटू एन माइनस फोर, घटते घटते सो ऑन थ्री इंटू टू इंटू वन, दैट इज अर्थात। अब सुनो भैया, इसको हम एक साथ लिख रहे हैं और इसको एक साथ, टू इंटू एन माइनस टू का फैक्टोरियल ये रहे। इतने तरीके से अल्फा तैयार हो सकता है, और यही अल्फा किसके मेंबर है? एच के, तो कैपिटल एच की कार्डिनालिटी भी कितनी हुई, टू टाइम्स ऑफ एन माइनस टू का फैक्टोरियल। देन द ऑर्डर ऑफ कैपिटल एच इज इक्वल टू
टू इंटू एन माइनस टू फैक्टोरियल, नोट कर लो। साइकिल नहीं है जो डिवाइडेड बाय एन कर दोगे, समझे? हर तरीके से सोच रहे हैं कि कितनी कितनी जगह पे क्या क्या भरा जा सकता है, यही सोच रहे थे क्या कि एन से डिवाइड करने वाला? हाँ, मैंने केवल परमुटेशन बनाया, साइकिल बनाई नहीं, उसी में सब शामिल हो गया। हाँ बिल्कुल, मतलब मैंने सही सुना, तुम लोग जो आपस में बतियाए। कितने हो गए? 47 हो गए, 48। अब भैया ये याद रखना, ऐसा सवाल अच्छे होते हैं ना, एच इज द कलेक्शन ऑफ ओनली दोज परमुटेशंस मैप वन ऑन वन आर टू, मैप टू आर टू ऑन वन आर टू, देन ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू टू इंटू एन माइनस टू का फैक्टोरियल। ये लग गया था कि नहीं लगा था? ऑर्डर निकल गया था तब, बंद हो गया क्या? अच्छा, ऑर्डर लगाना ही भूल गए, कैसे होगा? हो जाए तो बताओ, मिटाया जाए। मिटाए, तुम लोगों को थोड़ा फायदा तो हो ही रहा होगा, थर्ड सेमेस्टर वो पांचवें सेमेस्टर वालों, थोड़ा तो फायदा हो ही रहा होगा ना, ज्यादा नहीं, कुछ तो हो ही रहा होगा कि ग्रुप थ्योरी, चलो हाँ ये भी है ग्रुप थ्योरी में। फर्स्ट ईयर की ग्रुप थ्योरी तो एकदम सतही वाली चलती है इधर, केवल सतह। हाँ क्या लिखवाया? ऐसा भी नहीं, हाँ वो बीएससी वालों का ना, जैसे तैयारी में प्रूफ की जरूरत नहीं होती है, रिजल्ट याद करना है तो यहाँ हम लोग रिजल्ट याद करते हैं। अब उधर चूंकि वही चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं तो वहां सबका प्रूफ दे रहे होते हैं, जैसे आइसोमॉर्फिज्म होगा तो वहां मैंने सवाल के बाकायदा जितने हुए हैं कॉम्प्लेक्स का कॉम्प्लेक्स में, रियल का रियल में, वो सब कुछ करवाया है, जबकि यहां पर आएगा तो यहां पर केवल बता करके निकल जाएंगे कि देखो ऐसे 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 होता है, मैक्सिमम यहां न्यूमेरिकल लगा रहे हैं। अब जैसे यहां ये सारे न्यूमेरिकल उठ रहे हैं, ये सारे न्यूमेरिकल वहां नहीं है, कहीं पर वहां मैंने काउंटिंग कहीं नहीं बताई है, एकात में काउंटिंग कहीं बता दिए बाकी काउंटिंग नहीं बताई, क्योंकि यहां पूछा ही नहीं जाता, बता करके करेंगे क्या? 48वें में लिखना, 48वां सवाल, शो दैट इन एसएन। हाँ ये सवाल अगर तुम लोगों को आया होगा तो मजेदार है, शो दैट इन S7, इन S7 द इक्वेशन, द इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 हैज नो सॉल्यूशन बट द इक्वेशन एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 हैज एट लीस्ट टू सॉल्यूशन। अब पता है ये सवाल ऑप्शनल में बड़ा अच्छा बनता है, ऑप्शनल में ये ऐसा दिख नजर आएगा, इन S7 पहला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 मस्ट हैव सॉल्यूशन। दूसरा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 इंप्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4। तीसरा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 हैज नो सॉल्यूशन। और चौथा एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4
हैज सॉल्यूशन, हैज सॉल्यूशन. मैंने जनरल स्टेटमेंट से हट करके वैसे ही रफली बना दिया. अब ये ऐसा नजर आता है, लगाए हो तो पता है भाई ना, नो सॉल्यूशन. वो कह रहे हैं कि आप दिखाइए इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा. भैया मेरे जब इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो इसका मतलब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ही तो एक्स होता. एक्स आपको मिलेगा नहीं तो उसका ऑर्डर आप चार कैसे कह सकते हो. तो ये गलत, ये गलत. सही केवल कौन होगा, है सॉल्यूशन. क्योंकि वो कह रहा है ऊपर दिखाइए x की पावर 3 जब ये होगा तो ये कम से कम तीन सॉल्यूशन रखेगा रखेगा, हैज एटलीस्ट टू सॉल्यूशन, सॉरी दो सॉल्यूशन रखेगा रखेगा. तो ऑप्शन में यही सवाल ऐसा नजर आएगा. हाँ वो तो वहां भी करना पड़ेगा. वहां वो कह रहा है कि दिखाइए कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, तो आपका दिमाग एक ही तरफ काम करेगा कि हाँ यार सॉल्यूशन नहीं लाना है. और ऐसा रहेगा तो तुम सोचोगे यार हो सकता है कि नहीं हो सकता. ऐसा परमुटेशन खोजने जाएं कि जिस परमुटेशन का स्क्वायर करो तो चार लेंथ की एक साइकिल मिल जाए. ऐसा परमुटेशन खोजने जाओ कि उसका स्क्वायर करो चार लेंथ की साइकिल मिल जाए. आप बताओ कैसे दिखाओगे. अगर ये आ गया है तो बहुत अच्छी बात है. सॉल्यूशन हाँ बोलो. गलत तुम्हारा आया है, तुम्हारा तुम्हारा नहीं लगाया नहीं था, पुराने लगे काहे. मतलब अच्छा कल का वीडियो लेक्चर खत्म कर रहे थे उस पे ठीक. मतलब और नहीं हुए, छूट कहां गए. अच्छा अभी वीडियो नहीं कंप्लीट किया है. ओ तुम लोग तो 3 गुने स्पीड पे मेरा देख लेते हो, कम बाकी रह गया. हाँ जी गलत बात, गलत बात, गलत बात. इधर तुम लोग 5वें सेमेस्टर वालों नहीं, ये तो चलो ये तो टिक हो जाएगा, ये तो टिक हो गया भाई. ये गलत, ये गलत, ये गलत, अकेला सही यही होगा. नहीं एक्स स्क्वायर हैज नो सॉल्यूशन, ये भी तो सही है, हैज नो सॉल्यूशन. यहां आप कह रहे हो इसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा भाई, तो वहां पर दिखाना है. तो दो ऑप्शन सही है, दो ऑप्शन गलत है. तो ये तो लग गया ऊपर वाले का, दिखाओ कि इसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा. थोड़ा दिमाग चलाओ, 5 मिनट हम तुमको दे रहे हैं, हम चाहते हैं ये तुम लगा लो. 5 मिनट के लिए वीडियो रोक दो, 5 मिनट तुम अपना दिमाग चलाओ. या तो दोनों इवन रहेगा या तो दोनों. ये एक्चुअली मान क्या रहा है, ये कह रहा है एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 ऐसा इसने कहा. और गौर करो ये चार लेंथ की साइकिल है, तो ये कैसा परमुटेशन होगा, ऑड परमुटेशन होगा. अब या तो एक्स इवन होगा या तो ऑड होगा, ये दोनों सेम होंगे. अगर ये ऑड हुआ तो ऑड इंटू ऑड इवन, जबकि बराबर क्या लिखा है ऑड. अगर ये इवन हुआ तो इवन इंटू इवन इवन, और बराबर किसके ऑड. इसका कोई सॉल्यूशन निकलेगा हाँ या ना, वही एक इसका रास्ता और कोई इसका रास्ता नहीं. क्लियर हुआ, चलो फटाफट लिखते हैं. ये ऑप्शन वाला नोट किया कि हटा दे इसको, हो गया लिखना है, ये लिख लो तो हटाएं. परमुटेशन दे देना तो दो ही बात सोचो, ऑर्डर सोचो और इवन ऑड सोचो, काम बना बैठा है आपका. एक हिस्सा उधर हम सॉल्व कर दे रहे हैं इसका. सॉल्यूशन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 इंप्लाइज दैट एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 इंप्लाइज दैट एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू ऑड परमुटेशन, ऑड परमुटेशन. इसका मतलब सो इफ यदि x इज इक्वल टू ऑड, दिस गिव अगर x ऑड हुआ तो ये आपको क्या देगा, ऑड इंटू ऑड दैट इज इक्वल टू इवन बराबर ऑड. नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल. ठीक
इफ एक्स इज इक्वल टू इवन, अगर एक्स इवन हुआ तो दिस गिव, फिर गौर करना इवन इंटू इवन इवन, और इवन बराबर फिर आपको क्या मिलेगा, इवन बराबर ऑड, ऑड वापस नॉट पॉसिबल, ठीक। सो इसलिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर हैज नो सॉल्यूशन, हैज नो सॉल्यूशन, इसलिए इसका कोई भी सॉल्यूशन मौजूद नहीं होगा, काम बन गया मेरा। अब एक्स क्यूब इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर, इसमें हो जाएगा, इसमें बवाल नहीं है कोई। एक बात इसमें तय है, एक्स जैसा भी परमुटेशन आएगा ना ऑड ही आएगा, एक्स जैसा भी परमुटेशन आएगा ऑड ही आएगा, क्योंकि अगर गलती से भी एक्स इवन हुआ तो इवन इंटू इवन इंटू इवन इज इक्वल टू ऑड, सेटिस्फाई नहीं किया, तो एक्स को ऑड रहना है तो ऑड इंटू ऑड इंटू ऑड रिजल्ट विल बी इवन, सॉरी ऑड, अब सही हो जाएगा, समझ आया। बहुत नजदीक में खेला, बहुत नजदीक में। लिखना सेकंड में, अब नाउ एक्स क्यूब इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर, इनकी बात करते हैं, एक्स क्यूब इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर, ठीक लिखे, क्लियरली एक्स मस्ट बी एन ऑड परमुटेशन, क्लियरली क्लियरली एक्स must be an odd permutation, odd permutation, या ऐसे लिख सकते हो x into x is equal to odd permutation, odd permutation। इसका मतलब साफ है कि x को हर हाल में कैसा permutation बनना पड़ेगा, odd ही बनना पड़ेगा। अच्छा x cube is equal to 4 length की cycle दिया है, तो also इसके साथ ही हमको ये मिलता है the order of x cube is equal to कितना 4, और अगर x cube का order 4 है तो इसका मतलब एक बात तय हो गई, this implies that the order sorry x to the power 3 to the whole power 4 is equal to identity epsilon, identity permutation, यानी this implies that x की power 12 is equal to कितना हो गया epsilon, तो एक बात तय हो गई, this implies that the order of x must be the divisor of x, जो भी रहा होगा उसका ऑर्डर 12 के ऑर्डर का क्या रहा होगा, डिवाइजर रहा होगा, इसका मतलब x का ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, दिस इंप्लाइज दैट द ऑर्डर ऑफ x विल बी, ऑर्डर ऑफ x विल बी 1 और 2 और 3 और 4 और 6 और 12, सहमत हो कि नहीं सहमत हो, इतने ही हो सकते हैं, लेकिन गौर करना x को ऑड रहना है तो जो ऑड परमुटेशन होगा, जो ऑड परमुटेशन होगा उसका ऑर्डर वन नहीं हो सकता, क्योंकि वन ऑर्डर होता है आइडेंटिटी का, यहां पर ये डंप कर गया कि नहीं कर गया, ठीक। अच्छा अगर किसी परमुटेशन का ऑर्डर दो है, अगर किसी परमुटेशन का ऑर्डर दो है वो ऑड होगा कि इवन होगा, किसी परमुटेशन का ऑर्डर दो है वो ऑड होगा या इवन होगा, और हम कहें दोनों हो सकता है तो क्या गलत है, अरे भैया मेरे ट्रांसपोजिशन वन टू का ऑर्डर कितना है दो, वो कैसा, वो कैसा परमुटेशन ऑड, वन टू और थ्री फोर इस दोनों का ऑर्डर कितना है दो दो, और दोनों का प्रोडक्ट का ऑर्डर कितना है दो, अब बताओ, अब तो इवन परमुटेशन, गच्चा खाए कि नहीं खाए, अरे परमुटेशन है कि नहीं नहीं समझे तुम, हाँ सुनो, वन टू दो लेंथ की साइकिल है, ऑर्डर कितना है दो है, आप किसी भी परमुटेशन के ऑर्डर से इवन ऑड नहीं बता सकते हो, आई बात समझ में, साइकिल की लेंथ से आप इवन ऑड बता सकते हो, साइकिल की लेंथ से उसका ऑर्डर बता सकते हो, लेकिन ऑर्डर से इवन ऑड नहीं बता सकते हो, इस बात पे हमेशा रोक लगी रहेगी, ये याद रखना, हमेशा जब भी आपको एक साइकिल का ऑर्डर दिया गया होगा तो आप उसको इवन ऑड बता सकते हो, क्यों, क्योंकि एक साइकिल अकेली होती है और जो उसका ऑर्डर होता है वही एक्चुअल में उसकी लेंथ होती है, और हम लेंथ को देख करके इवन ऑड बता देते हैं, अगर लेंथ इवन है तो ऑर्डर कितना होगा ऑड, अगर लेंथ इवन है, देखो फिर क्या
लेंथ अगर इवन है तो उसका ऑर्डर भी क्या होगा, इवन होगा, परमुटेशन ऑड होगा। वापस सुनो, ध्यान ही नहीं दे रहे हो कहां क्या बोल रहे हैं। अगर किसी परमुटेशन को साइकिल के फॉर्म में लिखा गया है, एक ही साइकिल है, के लेंथ की साइकिल है, अगर साइकिल की लेंथ ऑड होगी, अगर साइकिल की लेंथ ऑड होगी तो परमुटेशन कैसा होगा, इवन। लेकिन परमुटेशन का ऑर्डर कैसा होगा, ऑड ही होगा, क्योंकि जो लेंथ है वही तो ऑर्डर है। लेंथ और ऑर्डर सेम होते हैं, किसी साइकिल के लिए लेंथ और ऑर्डर दोनों कैसे होंगे, सेम। तो अगर ऑर्डर ऑड है तो लेंथ भी क्या होगी, ऑड। साइकिल के लिए बात कर रहे हैं, ठीक। अगर इवन है तो क्या होगा, इवन। लेकिन ये याद रखना, जितना लेंथ होगी उसका बिहेवियर उसका अपोजिट होगा। अगर लेंथ इवन है तो परमुटेशन किस टाइप का होगा, ऑड, और अगर ऑड है लेंथ तो इवन परमुटेशन होगा। क्लियर हुआ? तो आप ऑर्डर देख करके इवन ऑड नहीं डिसाइड कर सकते, खाली एक जगह डिसाइड कर सकते, बस इस पे खुली छूट है। वन ऑर्डर का परमुटेशन, वन ऑर्डर का परमुटेशन केवल आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी ऑलवेज इवन परमुटेशन। क्लियर हुआ कि नहीं? तो वन तो ऑर्डर हो नहीं सकता, इनमें से ऑर्डर कुछ भी हो सकते हैं। अभी हम लोग इनकार करेंगे बाकी बाकी कौन कौन से और ऑर्डर नहीं हो सकते हैं। समझ में आ रही है बातें? चलो भैया, कितना लिख लिए, ऑर्डर ऑफ एक्स विल बी वन आर टू आर थ्री आर फोर आर सिक्स आर ट्वेल्व, बेटा इसको अच्छा लिखो। पहले ऐसे दो बार किसी के आगे सांस फूल जाए, कहेंगे भैया अब डॉक्टर को दिखा लो ना। अरे कोरोना से पूरा जम रहा है एकदम ना, कोरोना वाले में दो बार किसी के आगे सांस फूल जाए बस कहेंगे अरे कब जम गई पूरे तरीके से, अब भैया इनको डॉक्टर के पास ले चलो। गए ये, अब ना रुकने वाले, अभी कोरोना ही नहीं है बेटा। तुम लोग भी पढ़ने ना आते, अगर हम ऐसे हाँफ दिए होते उस समय तुम लोग भी कहते भागो, शिक्षा क्लासेस बंद हो गई थी इसी कोरोना चक्कर में, सब लोग कहे अब ना आना। क्या दौर देखे हम लोग, वो भी मजेदार था। लिखना, बट लेकिन, बट द ऑर्डर ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू वन, ठीक, एज इन दिस केस एक्स इज इक्वल टू एप्सिलॉन, इवन परमुटेशन, ठीक। ये रहा, इसका ऑर्डर कभी भी वन नहीं हो सकता है, क्योंकि वरना ये क्या बन जाएगा, इवन परमुटेशन। अब इनका देखते हैं इसका ऑर्डर दो हो पाता है कि नहीं हो पाता है। लिखना, ऑर्डर ऑफ एक्स, ये बताओ अगर इसका ऑर्डर दो हो जाता, ऑर्डर ऑफ एक्स दो होता तो एक्स स्क्वायर कितना होता, एक्स स्क्वायर कितना होता, आइडेंटिटी होता, तो एक्स क्यूब कितना होता, एक्स होता। क्या ये बात पॉसिबल थी, क्या ये बात कभी पॉसिबल थी? क्यों नहीं पॉसिबल थी, उसका रीजन सुनो। ऑर्डर ऑफ एक्स आल्सो डज नॉट इक्वल टू टू, क्यों, एज अगर आप ये कहते हैं, एज इफ यदि ऑर्डर ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू, देन दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एप्सिलॉन एंड दिस इंप्लाइज दैट एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स। Not possible. क्यों नहीं possible है वो सुनो, not possible as in this case order of x is equal to, आपने कितना माना है, 2, और बराबर बैठता order of x cube के, जो actual में है कितना, 4 है। सहमत हो कि नहीं सहमत हो, गलती पता चल रही है कहां हो रही है। आप कह रहे हो कि अगर हमने x का ऑर्डर दो मान लिया तो पक्की बात है x स्क्वायर एप्सिलॉन हो जाएगा, और x स्क्वायर के एप्सिलॉन होते ही x क्यूब खुद कितना हो जाएगा, x, और आपको तो x क्यूब दिया गया है, हाँ या ना, x क्यूब आपको चार लेंथ की साइकिल 1 2 3 4 ही तो दी गई है, तो उसका ऑर्डर है कितना, 4। तो ऐसे केस में जैसे आप इन दोनों को बराबर मानोगे तो ऑर्डर ऑफ एक्स क्यूब बराबर आ जाएगा कितने के, 2 के, लेकिन इसका ऑर्डर है कितना, 4, और 2 और 4 बराबर नहीं होते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? तो चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, डज नॉट इक्वल टू दिस, दोनों बातें सही है।
एज इन दिस केस ऑर्डर ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्स, बट लेकिन ऑर्डर ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू विच डज नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्स क्यूब दैट इज फोर, ऐसे लिख सकते हो, ज्यादा सही लगेगा। अगला, इसका ऑर्डर तीन भी नहीं हो सकता, वो भी देख लेते हैं कैसे, कहां गया, अरे मिटा दिया क्या, 12 का डिवाइजर तीन था तो ना, ऑर्डर ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू थ्री क्यों नहीं हो सकता, एस इफ यदि ऑर्डर ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री दिस इंप्लाइज दैट एक्स क्यूब इज इक्वल टू एप्सिलॉन, लेकिन आपको दिया गया बट गिवन, बट गिवन एक्स क्यूब इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर, फिर दिक्कत हुई कि नहीं हुई, अगर आप x का ऑर्डर तीन मानोगे तो इसका मतलब है x क्यूब कितना आना चाहिए, आइडेंटिटी, जबकि आपको तो x क्यूब चार लेंथ की साइकिल के रूप में दे करके रखा है, तो ये भी नहीं हो सकता, तो आप टिके किस पर, चार पर, छह पर, बारह पर, यहां पर आप टिके हो। अब हम आगे वाले पर सोचेंगे कि अगर हम उसका ऑर्डर चार कर देते तो क्या होता, अब मानो इफ ऑर्डर ऑफ एक्स इज इक्वल टू फोर, यहां से मानना पड़ेगा, इफ ऑर्डर ऑफ एक्स इज इक्वल टू फोर तो अपने को क्या मिलता, यहां से अपने को मिलता है एक्स की पावर फोर इज इक्वल टू, एक्स की पावर फोर इज इक्वल टू एप्सिलॉन, हाँ या ना, और सोचो ऐसे में अब आपको सोल्यूशन भी मिल सकता है, कैसे, आप इसको ब्रेक करोगे एक्स क्यूब इंटू एक्स इज इक्वल टू एप्सिलॉन, और दो लोगों के झगड़े में अगर आइडेंटिटी आए दोनों एक दूसरे के इनवर्स, इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट एक्स इज नथिंग, एक्स इज एक्स क्यूब का इनवर्स, हाँ या ना, और एक्स क्यूब है कौन, एक्स क्यूब है वन टू थ्री फोर, तो इसका इनवर्स क्या होगा, चार तीन दो एक, एंड दिस इज इक्वल टू फोर थ्री टू वन, पहला सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर गया कि नहीं कर गया, यही होगा, एक सॉल्यूशन आपको मिल गया, वो कम से कम दो की डिमांड कर रहा है, कम से कम दो की, फर्स्ट सॉल्यूशन, ये आपका फर्स्ट सॉल्यूशन है। सहमत हो, अब छह पर सोच लो, एक सॉल्यूशन तो मिल गया, वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट, चाहे तो इसके नीचे लिख दो वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट, वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट, छह पर जरा सोचो, इफ यदि ऑर्डर ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिक्स तो अपने को क्या मिलेगा, अपने को मिलेगा एक्स की पावर सिक्स इज इक्वल टू एप्सिलॉन, यानी अपने को मिला एक्स की पावर थ्री का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एप्सिलॉन, गड़बड़ी दिखी कि नहीं दिखी, गड़बड़ी दिखी, यहां एक्स क्यूब का ऑर्डर कितना हो गया, दो हो गया, एक्स क्यूब का ऑर्डर कितना हो जाएगा, दो, जो हो नहीं सकता, एक्स क्यूब का ऑर्डर कितना दिया गया है, चार दिया गया है, ठीक, बट गिवेन, बट गिवेन एक्स क्यूब, यहां पर बट गिवेन एक्स क्यूब इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर, सो एक्स की पावर सिक्स डज नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन, मतलब वही एक्स की पावर थ्री की होल पावर टू कभी भी आइडेंटिटी नहीं हो सकता, यानी दिस इंप्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू सिक्स, लो भैया सारी पॉसिबिलिटी इनकार, बारह पर एक पॉसिबिलिटी और बचेगी बस, तो कम से कम दो सोल्यूशन तो आपको मिलेंगे। बारह पर सोच पाओगे, इफ ऑर्डर ऑफ एक्स इज इक्वल टू ट्वेल्व लेकर के चलें तो, हाँ बोलो, हाँ
एक्स क्यूब की पावर। सारा किस्सा किस में खेल रहे हो, एस सेवन में ना, एस सेवन में। अगर आपने उसका ऑर्डर 12 मान लिया तो उसका स्ट्रक्चर देखने में कैसा होगा, चार और तीन टाइप का। काम बन गया कि नहीं, चार और तीन टाइप का, एक्स की पावर 3 इज इक्वल टू चार लेंथ की साइकिल आपको दिया ही है, काम बना बैठा है। यानी अगला सॉल्यूशन आपको यहां से मिल जाएगा, लिख लो तो पूरा मिटाएं फिर। मिटा दें, अच्छा कुछ और लक्षण बताओ, खाने वाले का मन करता है कि नहीं करता है? नहीं करता, तब हम आजाद हैं, क्योंकि हम सुबह से खूब खाए हैं आज, हम आजाद हैं पूरी तरीके से। केवल बस वही है ना, जॉइंट पे है बस, वो भी अच्छे वाले हैं थोड़े से, बहुत बेकार वाले नहीं है। हाँ मतलब वो नहीं, वो तो अभी नहीं हुई, उसमें तो बड़ा खतरनाक है ना। एक मिनट इसको रोको, एक मिनट। ऑर्डर 12 मान करके चलो, लिखना इफ इफ ऑर्डर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 12, ठीक, किसमें होगा ये सब कुछ? एस सेवन में होगा, इन एस सेवन। देन अगर इसका ऑर्डर 12 है तो अब यह सी बात है, एस सेवन में एक बंटवारा होता है, चार और तीन, चार तीन सात, वहां पर ऑर्डर आपको 12 मिलते हैं। देन एक्स इज ऑफ द टाइप, एक्स इज ऑफ द टाइप चार लेंथ की साइकिल और तीन लेंथ की साइकिल। ऐसे में जो एक्स का टाइप होगा दिखने में वो चार तीन, मतलब चार लेंथ की एक साइकिल मल्टीप्लाइड बाई तीन लेंथ की एक साइकिल, ऐसे फॉर्म में होगा। और अगर ऐसे फॉर्म में होगा तो गौर करो, आप एक एक्स लेकर के देखो, इफ वी टेक, इफ वी टेक, अगर हम लेते हैं एक्स इज इक्वल टू, सुन भैया चार लेंथ की एक साइकिल ऑटोमेटिकली ले रहे हैं, एक चार तीन दो, अब यहां पर हिट एंड ट्रायल लग रहा है, एक चार तीन दो, क्योंकि एलिमेंट तो उस ऑर्डर का मिल ही रहा है, उसमें तो कोई इनकार ही नहीं, एक चार तीन दो। अगली वाली डिसजॉइंट साइकिल कितने सिंबल बच गए हैं? सात सिंबल थे, तो कौन कौन बचा? पांच छह सात बचे हैं ना, उनको एक सीरियल में ले रहे, पांच छह सात। जरा तुम एक्स क्यूब देखो कितना आएगा, पहले एक्स स्क्वायर यहां से निकाल लो, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्स स्क्वायर का मतलब इन्हीं को इन्हीं के साथ प्रोडक्ट लगाओ और देखो कितना आएगा, एक चार तीन दो पांच छ सात, और फिर एक चार तीन दो पांच छ सात। जरा प्रोडक्ट लगाओ, देख भैया कितना आएगा, एक की में एक, एक की में चार, चार की चार, चार की तीन, तो एक की तीन, सही है। अच्छा तीन की में तीन, तीन की में दो, दो की में दो, दो की में एक, तो इसका मतलब तीन की में एक। साइकिल यहां पर क्लोज, सहमत हो? इसके बाद फिर शुरुआत कहां से करें, दो से, दो में देखना, दो की इमेज दो, दो की इमेज एक, एक की इमेज एक, एक की इमेज चार, दो की इमेज चार, चार की इमेज चार, चार की इमेज तीन, तीन की इमेज तीन, तीन की इमेज दो, चार की इमेज दो, ये बंद हो गया, सहमत हो? अगले में एक दो तीन चार पांच से शुरू करें, पांच की इमेज छह, छह की इमेज छह, छह की इमेज सात, सात की इमेज सात, पांच की इमेज सात, सात की पांच, पांच की पांच, पांच की छह, छह की छह, पांच की छह, छह की सात, सात की सात, सात की पांच, पांच की पांच। क्या सारे सिंबल इन्वॉल्व हो गए? एक दो तीन चार पांच छह सात। अब एक्स क्यूब देख लो, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। चलो भैया एक्स स्क्वायर देख लो, एक तीन दो चार पांच सात छह, और इसके बाद एक चार तीन दो पांच छह सात। प्रोडक्ट करें, सबसे पहले एक से शुरू करना, वन की इमेज वन, वन की इमेज फोर, फोर की इमेज फोर, फोर की इमेज टू, टू की इमेज टू, वन की इमेज टू, टू की इमेज टू, टू की इमेज वन, वन की वन, वन की वन, वन की थ्री, टू की थ्री, थ्री की थ्री, थ्री की टू, टू की टू, टू की फोर, फोर की फोर, थ्री की फोर, फोर की फोर, फोर की थ्री, थ्री की थ्री, थ्री की थ्री, थ्री की वन, एक दो तीन चार, अभी और बचे हैं पांच छह सात, उनका देख लेते हैं। पांच से शुरू करें, पांच की छह, छह की छह, छह की पांच, पांच की पांच, पांच की पांच, लो भैया
ये हो गया, छह की छह आ रही है पक्का, तो सात की सात आएगी। अब ये बताओ एक्चुअल में एक्स क्यूब कितना आया, वन टू थ्री फोर, क्या तुमको ऑर्डर बारह मानने पर फिर एक सॉल्यूशन मिल गया कि नहीं मिल गया? क्या ले, एक्स इज इक्वल टू वन फोर थ्री टू फाइव सिक्स सेवन, मिल गया एक सॉल्यूशन और, क्लियर हुआ? सो एक्स इज इक्वल टू वन फोर थ्री टू कॉमा फाइव सिक्स सेवन इज आल्सो अ सॉल्यूशन, ये एक सॉल्यूशन आपका होगा। ना ना ना, रैंडमली नहीं, कई बना करके देखा गया, कई बना करके देखने में एक जो पास किया गया वो याद कर लिया गया, यही तुम लोगों को सब करना पड़ता है। अब जब से हम रैंडमली उठाए ना, इसलिए उठाए क्योंकि हम कर चुके इसको, इसलिए कर चुके, वरना था क्या ना, मैंने चार लेंथ की तीन लेंथ की कई साइकिल और की थी जिसमें हम फेल हो गए थे, फिर इस एक साइकिल में हम पास हो गए, तो हम इसी एक साइकिल को लेकर के चल दिए, बाकी मैंने छोड़ दिया। ये तरीका इसीलिए सबसे पहले बंटवारा दिए चार लेंथ की और तीन लेंथ की, और रैंडमली कैसे उठाए कि दोनों को टोटली डिसजॉइंट उठाए, दिमाग में क्या आता है, दिमाग में यह आया क्यों मैंने इसको छोड़ दिया चार लेंथ में, वन टू थ्री फोर लेते तो गौर करो ये एलिमेंट इटसेल्फ वन इनवर्ट तो है नहीं, इसका ऑर्डर है कितना, चार है, तो चार बार खुद से प्रोडक्ट होगा तब आइडेंटिटी को देगा, तो इसीलिए इसको पहले ही डंप कर दिया कि तुम हट जाओ। इसमें हमने रीअरेंज कर लिया, चार को आगे कर लिया, तीन दो को यहां कर लिया और पांच छह सात को बाहर निकाल लिया और करते चले गए। तुम चाहो तो ये कर सकते हो एक पांच छह सात और बाकी को बाहर कर सकते हो, लेकिन तब भी अगर ये नहीं आया तो फिर सोचना पड़ेगा, नहीं आया तो फिर सोचना पड़ेगा, और चार तीन टाइप के जितने एलिमेंट होते हैं सब पे सोचना पड़ेगा, और एक पे पास कर गया वही एक्सेप्टेबल हो गया। क्लियर हुआ, नोट कर लो। तो कितने सॉल्यूशन आए आपके पास, दो, तो एटलीस्ट टू सॉल्यूशन आपके पास रहे, किसके, एक्स क्यूब इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर के, ठीक, जबकि एक्स स्क्वायर में कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, नोट कर लो। ऐसे चार पांच दिन और ऐसे सपने नजर आ जाए ना पगलाने वाली, खैर पगलाएं का है, बारह साल से यही हो रहा है, लेकिन अभी सोचना पड़ता है अब कि अब ऐसा क्या है, ऐसा कृपा कहाँ अटकी है पता करें। वो यहाँ पे एक वो कौन सा नीलम, यहाँ पे पन्ना और यहाँ पे वो सब पहनना चालू करें, अब कृपा कहाँ अटक गई, मिटा जाए पूरा, हो गया। हम इतने राक्षस है ना, अगर हमको सही सलामत पता चल भी जाए तब भी हम कुछ ना करें, मतलब सही पता चल जाए ना फिर भी कुछ ना करें, ये राक्षसीपना ऐसे हो जाता है कभी कभी। पता तुमको वो भी था कि ये तुम आज भी उस पर कुछ नहीं, शुरुआत वाली बातें 49 लिखना 49, और उम्मीद करते हैं 49 हम लोगों को बिल्कुल लगाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हो चुका है 49 है, इफ यदि ए बी एंड सी डी आर डिसजॉइंट, आर डिस्टिंक्ट, डिसजॉइंट नहीं आर डिस्टिंक्ट, आर डिस्टिंक्ट टू साइकिल्स इन एसएन देन ए बी एंड सी डी देन ए बी एंड सी डी commute if and only if, केवल और केवल तब, they are disjoint। क्या मुझको ये कराना पड़ेगा, या कितने लोग जानते हो कि ऑलरेडी ये रिजल्ट हो चुका है, वापस पढ़ लो सही सलामत। ए बी सी डी, एक दो लेंथ की साइकिल है ए बी, अगली दो लेंथ की साइकिल है सी डी, और ऊपर शब्द इस्तेमाल किया है डिस्टिंक्ट, अलग अलग दो साइकिल है, डिस्टिंक्ट का मतलब कुछ सिंबल कॉमन हो सकते हैं, तो ये कह रहे हैं कि अगर ये दोनों साइकिलें आपस में कम्यूट कर रही हैं तो केवल और केवल तब कम्यूट करेंगी जब ये कैसी होंगी, डिसजॉइंट। मैंने इस रिजल्ट को और जनरल तरीके से किया है, एनी टू डिसजॉइंट साइकिल्स ऑलवेज कम्यूट करवाया है, जो एक परम्यूट करेगा दूसरा उसको अनचेंज रखेगा, जो पहला परम्यूट करेगा दूसरा उसको क्या करेगा अनचेंज, तो होगा ही होगा, तो ऑलरेडी डन कर दे, ऑलरेडी डन। क्या
मतलब नहीं 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 जनरल रिजल्ट इस तरीके से नहीं दिखाओगे। नहीं, तुम कह रहे हो कि हम ये मान लें कि माना ये दोनों डिस्टिंक्ट है लेकिन डिसजॉइंट नहीं है, यही तो कह रहे हो। कुछ एलिमेंट्स कॉमन है, तो कुछ एलिमेंट्स कॉमन होने पर ऐसी भी साइकिल्स मिलती है जो कम्यूट करती हैं और ऐसी मिलती हैं जो कम्यूट नहीं करती हैं, वहां तो तुम फंसे हुए हो क्या? नहीं, तुमको ये दिखाना है, कंडीशंस सुनो क्या लगा है, केवल और केवल तब, मतलब अगर डिसजॉइंट है तो कम्यूट करेंगी, कम्यूट कर रही है तो डिसजॉइंट हो रही है, वापस देखना। देन ए बी एंड सी डी कम्यूट इफ एंड ओनली इफ, केवल और केवल तब दे आर डिसजॉइंट, सिर्फ तभी कम्यूट करेंगे जब वो टोटली डिसजॉइंट हो, अदरवाइज नहीं करेंगे। आई बात समझ में? तो तरीका वही होगा जो शुरुआत में करवाए हुए, लिख दो ऑलरेडी डन, अब इसको दोबारा नहीं प्रूफ करना है, ऑलरेडी डन। जब बड़ा रिजल्ट इसका कर ही दिया है तो फालतू में फुटकर वाले काय उठाए। 49 हो गया, फिफ्टी तो भैया आना चाहिए था तुम लोगों को, अगर 50 आया हो तो बहुत अच्छी बात है। 50, लेट अल्फा बी अ टू साइकिल, लेट अल्फा बी अ टू साइकिल एंड बीटा बी अ टी साइकिल, बीटा बी अ टी साइकिल इन एसएन, प्रूव दैट अल्फा बीटा अल्फा इज अ टी साइकिल, अल्फा बीटा अल्फा इज अ टी साइकिल, ये रिजल्ट है ठीक। और ऑप्शन के लिए भी इसको याद कर लेना, अगर एसएन के अंदर में आपको एक साइकिल की लेंथ दो दी गई, एक दो लेंथ की साइकिल दी गई और एक आपको बीटा दिया गया जिसकी लेंथ आपको कुछ भी थमा दी गई, तो अगर आप दो अल्फा अल्फा के बीच में बीटा को सैंडविच करते हो तो जो नया परमुटेशन तैयार होगा उसको भी कैसा होगा, टी साइकिल होगा। क्लियर हुआ? क्या यहां पर डिसजॉइंट की कोई बात कहा है? क्या यहां पर सेम सिंबल होने की भी कोई बात कहा है? नहीं कहा, यानी ये रिजल्ट हमेशा सही है, इनके बीच में कोई सिंबल कॉमन हो या इनके बीच में कोई सिंबल कॉमन ना हो। ये दो लेंथ की साइकिल है तो अगर आप टी लेंथ की साइकिल को इन दोनों के बीच में सैंडविच करते हो तो जो बनेगा वो भी एक टी लेंथ की ही साइकिल होगी। साबित कैसे करोगे? सुनना हम तुम लोगों से चाहेंगे। अल्फा स्क्वायर का है, अल्फा का ऑर्डर दो है ठीक है, अल्फा का ऑर्डर दो है, फिर बीटा का ऑर्डर टी है ठीक। हाँ ठीक है, अल्फा बीटा की पावर टी अल्फा, तुम ये कह रहे हो कि हम अल्फा बीटा अल्फा इंटू अल्फा बीटा अल्फा कर दें ऐसा, तो ये बनता है अल्फा बीटा स्क्वायर अल्फा। इसी तरीके से अल्फा बीटा अल्फा अप टू सो ऑन अल्फा बीटा अल्फा, ये हम कितनी बार कर दें, टी टाइम्स, तो ये बन जाएगा अल्फा बीटा की टी अल्फा। अब अल्फा बीटा की टी अल्फा क्या, सुनो बीटा टी लेंथ की साइकिल है तो ये तो हो गया आइडेंटिटी, तो ये आ गया अल्फा इंटू अल्फा दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन। अब हाँ पावर थोड़े दिखाना है, कैसे 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 किस पर, अगर कोई पावर चढ़ाए हो, हम कह रहे हैं अल्फा बीटा अल्फा की होल पावर टी इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो अल्फा बीटा अल्फा का ऑर्डर टी कह देंगे। हाँ चलो हम टी कह भी देते ऑर्डर, तो ऑर्डर टी कहने से वो टी साइकिल थोड़े बन जाएगा,
हमने किसी परमुटेशन का ऑर्डर पांच कह दिया, एक परमुटेशन का ऑर्डर पांच है, तो क्या वो पांच लेंथ की साइकिल होगा? अरे मे बी परमुटेशन मेरा पांच लेंथ की साइकिल, पांच लेंथ की साइकिल और एक लेंथ की साइकिल, पांच पांच दस एस इलेवन में आओ, एस इलेवन में आपका परमुटेशन पांच लेंथ की एक लेंथ की डिसजॉइंट साइकिल, इसका ऑर्डर कितना होगा? पांच। लेकिन क्या ये फाइव साइकिल है? नहीं है। अब हाँ, बीटा और बीटा इनवर्स का ऑर्डर बराबर, ठीक नहीं? तुम लोग मेन मुद्दे से फिर भटक गए, मेन मुद्दे से भटक गए। वो तुमसे गवाही चाह रहा है अल्फा दो लेंथ की साइकिल, हाँ या ना, बीटा टी लेंथ की साइकिल। अगर अल्फा बीटा अल्फा तैयार करोगे तो टी साइकिल ही मिलेगा, कुछ और नहीं मिलेगा। तो चलो अल्फा बीटा अल्फा निकालो। हाँ, अल्फा अल्फा इनवर्स बराबर होंगे क्योंकि अल्फा ट्रांसपोजिशन है, ट्रांसपोजिशन इटसेल्फ ओन इनवर्स, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कम्यूट थोड़ी करवा देंगे, अगर हम काश कम्यूट करवा पाते तो हम लिखते अल्फा बीटा अल्फा, कैन बी रिटन एज अल्फा अल्फा बीटा, ये खप करके आइडेंटिटी, रिजल्ट विल बी बीटा, बीटा इज अ टी साइकिल सो इट इज आल्सो अ टी साइकिल। किधर? हाँ, ऑर्डर बराबर होने से, ऑर्डर बराबर होने से साइकिल बनाने की गारंटी थोड़े है। जैसे गौर करना, इसका भी ऑर्डर कितना है? पांच। S11 में इसका ऑर्डर कितना होगा? पांच। और S11 में पांच छ सात आठ नौ दस और ग्यारह, इसका भी ऑर्डर कितना होगा? पांच। तो ऑर्डर बराबर होने से उसको तो साइकिल कह सकते हैं, लेकिन इसको साइकिल थोड़े कह देंगे। हमको साबित यह करना है अल्फा बीटा अल्फा कोई जो भी एलिमेंट आएगा टी लेंथ की एक साइकिल ही आएगी और कुछ नहीं आएगा। क्या फायदा क्या मिलेगा? अल्फा बीटा अल्फा में इधर से अल्फा ऑपरेट करा तो रिजल्ट कौन आएगा? वो अल्फा ही आएगा, ट्रांसपोजिशन इटसेल्फ ओन इनवर्स, तो अल्फा ही आएगा, तो बीटा मिल जाएगा। फर्क क्या पड़ा? मेरे को इतने को टी लेंथ की साइकिल कहना, इतने को, अब इतना मिलकर के टी लेंथ की साइकिल बन रहा है जबकि एक ट्रांसपोजिशन यहां पर और बढ़ गए हैं। कौन सा? खप करके आइडेंटिटी हुआ ना, लेकिन नया एलिमेंट ये इतने के बराबर हो रहा है, नया एलिमेंट, जबकि मुझको इतने ही एलिमेंट को, ये बीटा नहीं आएगा, अल्फा बीटा आए ये कोई जरूरी नहीं है, इतने को ही कहना है कि ये जो भी बनेगा टी लेंथ की साइकिल ही बनेगा। समझ पाए सवाल? तो समझ पाए पहले सवाल में आपको एक नए बन रहे एलिमेंट अल्फा बीटा अल्फा को साइकिल साबित करना है और साइकिल की लेंथ कितनी साबित करनी है? टी साबित करना है। क्लियर हुआ? तीन केस बनेंगे, जहां तुम लोग सोच रहे हो ना वहां से नहीं जाने वाला, यहां पर केस बनेंगे। हम कहेंगे अल्फा आपकी एक साइकिल है, बीटा भी कोई टी साइकिल है, तो इन दोनों साइकिल के बीच में अधिकतम कितने सिंबल कॉमन हो सकते हैं? दो। तो पहले आप एक सिंबल कॉमन करके चलो, फिर आप दो सिंबल कॉमन करके चलो, फिर आप कहो कोई सिंबल कॉमन नहीं होगा। अब आई बात समझ में? कोई सिंबल कॉमन नहीं होगा सबसे आसान केस है, अल्फा बीटा हैज नो सिंबल इन कॉमन, इट मींस अल्फा एंड बीटा आर टोटली डिसजॉइंट। तो अल्फा बीटा अल्फा लिखा गया है तो बीटा अल्फा कम्यूट कर जाएगा, तो अल्फा बीटा अल्फा इज एक्चुअली बीटा एंड बीटा इज अ टी साइकिल, सो अल्फा बीटा अल्फा इज ऑल्सो अ टी साइकिल। लेकिन बाकी दोनों केस, जब एक सिंबल कॉमन होगा, जब दो सिंबल कॉमन होगा, वो आपको चेक करके देखना पड़ेगा। अब आई बात समझ में? कुछ ऑपरेट नहीं करवाना है, कुछ नहीं करवाना, बस आपको एक लॉजिक बैठाना है, एक सिंबल कॉमन हो तो क्या होगा, दो सिंबल कॉमन होगा तो क्या होगा, ये सोचना है। कोई नहीं, घबराओ मत, यही जिंदगी है इसकी। लिखो भैया, केस फर्स्ट सॉल्यूशन। सबसे पहले टोटली डिसजॉइंट ही निपटा देते हैं। केस फर्स्ट, पहला केस लिखना, अल्फा एंड बीटा आर टोटली डिसजॉइंट।
आर टोटली डिसज्वाइंट। अगर अल्फा और बीटा ये टोटली क्या हो, डिसज्वाइंट हो, तो ऐसे केस में देन सीधे लिखना देन अल्फा बीटा अल्फा इज इक्वल टू अल्फा अल्फा बीटा एंड दिस इज इक्वल टू बीटा अ टी साइकिल। हो गया पहला काम, सहमत हो? अल्फा एक दो लेंथ की साइकिल है तो इसलिए अल्फा इटसेल्फ ओन इनवर्स। भैया जिनको कंफ्यूजन होगी वो लिख देना, सिंस अल्फा इज टू साइकिल इंप्लाइज दैट अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी एप्सिलॉन। सेकंड केस सेकंड एक सिंबल कॉमन लेकर के चलो। इफ यदि अल्फा एंड बीटा हैव वन सिंबल इन कॉमन, हैव वन सिंबल इन कॉमन। अगर अल्फा और बीटा एक सिंबल कॉमन रखे, वो एक सिंबल कोई भी हो सकता है, तो इसलिए हम 1 2 3 4 नहीं करेंगे, हम a1 a2 करेंगे। अब a1 a2 a3 an कुछ भी हो सकते हैं, मेरे को क्या ही फर्क पड़ता है। क्लियर हुआ? लिखना, लेट माना बीटा इज इक्वल टू, भैया ये बताओ बीटा कितने लेंथ की साइकिल दिया गया है, टी साइकिल, तो हम बीटा ले रहे हैं a1 a2 a3 सो ऑन at, ये मैंने लिया, हाँ या ना? और करें एक सिंबल कॉमन है और कॉमन नहीं है, हम a1 को ही कॉमन कर देते हैं, तो एंड अल्फा इज इक्वल टू a1 और at+1। जानते हो क्यों मैंने t+1 लिखा? क्योंकि अगर हम a1 के अलावा a2 a3 a4 कुछ भी करते तो यही लूप तो होते, तो दो सिंबल कॉमन हो जाता, वो मेरा अगला केस है, तो हम वहां पर नया सिंबल भर दिए at+1 भर दिए। तो सोचो अल्फा बीटा अल्फा क्या मिलेगा, अल्फा बीटा अल्फा इज इक्वल टू, दिमाग से खेलना, पहले अल्फा लिखो, अल्फा है a1 at+1, अब बीटा लिखो a1 a2 सो ऑन at, और फिर अल्फा लिखो तो a1 और at+1। चल भैया प्रोडक्ट लगाओ जरा, a1 की इमेज at+1, at+1 की इमेज at+1, क्योंकि यहां वो है नहीं, अगर वो होता तो दो सिंबल कॉमन हो जाते, सहमत हो कि नहीं? और at+1 की इमेज a1, तो एक्चुअल में a1 की इमेज a1, हाँ या ना? तो क्या हम लिखें एक लेंथ की साइकिल, लिख देते हैं एक बार की a1, सहमत हो? अब आओ a2 से शुरुआत करें, ये बताओ a2 की इमेज a2, a2 की इमेज a3, a3 की इमेज a3, तो a2 की इमेज a3। अब तुम्हारा दिमाग यहां पर दौड़ना चाहिए, वहां a3 नहीं है तो जो a3 की ये इमेज देगा वही मेन रहेगी, तो a3 की इमेज a4, a4 की इमेज a5 अप टू सो ऑन, लास्ट में आना at पर, आओ at पर, यहां पर अगर at आ जाता तो at की इमेज at, at की इमेज a1 और a1 की इमेज at+1, तो क्या हम यहां पर at+1 लिखे, हाँ या ना? तो हम यहां पर लिखे at और यहां पर at+। भैया जिनको थोड़ी भी कंफ्यूजन होगी वो पहले at-1 से सोच लो, at-1 से, तो गौर करना, क्योंकि ये तो अब सीरियल पकड़ लिया ना, a2 a3 a4 a5 at-1 भी कहीं पहुंचेंगे, तो at-1 की इमेज at-1, at-1 की इमेज at और at की इमेज at, तो यहां at आएगा, तो इसके पहले at-1 रहा ही होगा। अब at का सोच लो, तो at की इमेज at, at की इमेज a1, a1 की इमेज at+1, तो at+1। अब at+1 को सोच लो, at+1 की इमेज a1, a1 की इमेज a2 और a2 की इमेज a2, तो यहां पर a2 पर ही बंद हुआ कि नहीं, तो बस क्लोज कर दिया। और क्या मैंने सारे सिंबल ले लिए? तुम एक चीज गौर करो, एक लेंथ की साइकिल को लिखने का रिवाज नहीं है, तो ये एक्चुअल में लिखा गया है a2 a3 सो ऑन at और at+1। कई लोग हैं ये कितने लोग हैं टोटल, 3 लोग हैं कि नहीं, क्योंकि यहां 1 नहीं है, 2 से शुरुआत है, तो गौर करो एक आगे चला गया है टी साइकिल, इट इज इंप्लाइज दैट अल्फा बीटा अल्फा इज टी साइकिल। हो गया, एक समझ आई बातें, यही सीन था इसका। मिस कॉल,
ये हो जाए भैया, दो सिंबल कॉमन करें फिर। प्रूफ भले तुमको ये लग रहा है लंबा है, लेकिन एक्चुअल में प्रूफ नहीं, तुमको वो रिजल्ट याद रखना है। इफ बीटा इज अ टी साइकिल, अल्फा इज अ टू साइकिल, देन अल्फा बीटा अल्फा, मतलब दो साइकिल के बीच में अगर किसी भी लेंथ की साइकिल को सैंडविच करते हो तो रिजल्ट उसी लेंथ की एक साइकिल ही बनेगा, कोई नए टाइप का परमुटेशन नहीं बनेगा। क्लियर हुआ? यही रिजल्ट याद करना है, ये सवाल और नहीं इंपॉर्टेंट है, ये सवाल अपने रिजल्ट के तौर पर इंपॉर्टेंट। बेटा रो हो गया रोहित, सेकंड हेडिंग डाल देना, अल्फा एंड बीटा है टू सिंबल इन कॉमन, अल्फा एंड बीटा है टू सिंबल इन कॉमन, अल्फा एंड बीटा है टू सिंबल, ये थर्ड केस है, इफ केस थर्ड, इफ अल्फा एंड बीटा हैव टू सिंबल इन कॉमन। चल भैया दो सिंबल ए वन ए टू कॉमन कर दो, और क्या किया जा सकता है, लिखना टेक अल्फा इज इक्वल टू, लेट बीटा पहले मान लेते हैं, लेट बीटा इज इक्वल टू ए वन ए टू सो ऑन ए टी, ठीक, और इसके बाद एंड अल्फा इज इक्वल टू ए वन ए टू। मेरे ख्याल से मुझको करने की जरूरत नहीं, तुम अल्फा बीटा अल्फा निकाल के मुझको बता सकते हो। हाँ टूट गया, लिखें ए वन ए टू, ए वन ए टू सो ऑन ए टी, ए वन ए टू दिस इज इक्वल टू, ए वन से शुरुआत करते हैं, ए वन की इमेज ए टू, ए टू की इमेज ए थ्री, A3 की इमेज A3, तो A1 की इमेज A3, कहानी यहां हुई, A2 बीच से गायब हो गया, बस यही मजेदार काम है। अब A3 की इमेज A3, A3 की इमेज A4, A4 की इमेज A4, A3 की इमेज A4, तुम पैटर्न पकड़ पाए, A2 को उड़ा दिया और A3 A4 को लाइन में ला रहा है, तो A4 के बाद कौन लिखा जाएगा, A5, और ये कहानी चलते चलते तुम AT-1 पहले सोचो, तो यहां से AT-1 की इमेज AT-1, AT-1 की इमेज AT, और 80 की इमेज 80, तो यहां पर कौन आएगा 80, 80 माइनस वन की इमेज, अब 80 को सोचो, 80 की इमेज 80, 80 की इमेज A1 और A1 की इमेज A2, तो ये बंद होगा बेचारा किस पर, A2 पर, देखना अब A2 पर ही बंद होगा, A2 की इमेज A1, A1 की इमेज A2, A2 की इमेज A1, तुमको पता चल रहा होगा, खाली वही दो खिसक के उधर चला गया है बस, खाली कितनी लेंथ है इसकी, टी इंप्लाइज अल्फा बीटा अल्फा इज अ टी साइकिल। आप समझे, इस सवाल में और कुछ नहीं करना था, यही एक काम करना था बस। तब भी यार हम लोग काफी निकल आए हैं, अरे 50 के ऊपर सवाल हो गए यार, हाँ 50 पूरे पूरे हो गए ना, अब 50 के ऊपर निकल जा रहे हैं हम लोग, 50 ही सवाल है, तीसरे उस तो तुम लोगों के जिम्मे छूटेंगे, 35 ही तो छूटेंगे, वो मुझको देख रहे हैं तो इसे लग रहा है हम कोनो दोख बोल रहे हैं, 35 ही तो छूट रहे हैं तुम लोगों के लिए। पैंतीस तो लगा ही सकते हो, एक मिनट रोकना, चाक खाली कर दें बस, नहीं तो उड़ेगा बहुत ज्यादा। न्योता आ गया, न्योता 51 रुपए का पहला न्योता आपके लिए। अच्छा दो बार न्योता हम लोग तीन बार पार किए ना, 11 रुपए का न्योता दिया जाता है, फिर 21 का दिया जाता है, अब 51 का दिया जाता है, 101 का नहीं पहुंचेंगे, कौन सा 31 रुपए न्योता नहीं दिया जाता यार, 21 रुपए होगा 31, उसको कहो यार तीन अशुभ संख्या मानी जाती है न्योते में, ताज्जुब था बंदे का, 51 न्योता आ गया, न्योता लिखना, यूज द प्रीवियस एक्सरसाइज, Use the previous exercise. Use the previous exercise
यूज द प्रीवियस एक्सरसाइज टू प्रूव दैट इफ यदि अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग टू एसएन एंड बीटा इज द प्रोडक्ट ऑफ के साइकिल बीटा इज द प्रोडक्ट ऑफ के साइकिल्स ऑफ लेंथ एन वन कॉमा एन टू कॉमा अप टू सो ऑन एन के देन अल्फा बीटा अल्फा इनवर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ के साइकिल्स ऑफ लेंथ एन वन कॉमा एन टू कॉमा सो ऑन एन के. भैया पूरा घेरा मारो, ये भी रिजल्ट है, पिछला वाला भी रिजल्ट था, ये भी रिजल्ट है. लास्ट वाले जो न्यूमेरिकल को आपने किया उसी न्यूमेरिकल का इस्तेमाल करना है. और इस बार क्या साबित करना है लिख लो तो बताएं. हाँ बंद कर दें, एक मिनट बस. फाइनली ठंड लग गई तुम लोगों को. किसको? अच्छा सामने कोई खांस रहा है, हमको पता नहीं कौन खांस रहा है. क्या मे बी सर्दी जुकाम बुखार, कितना सन्नाटा हो गया है. और गर्मी में इसी पंखे की हवा पता नहीं चलती है, और ठंडी में बेचारा गरजता है. नल एयर लेता है तो बड़ी तेज आवाज करता है. अरे रात में एक बार हम ऐसे ऊपर छत के ऊपर टहल रहे थे, अचानक से घर 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 किया, एकदम खूब तेजी से एयर लिया, नीचे नल खुला हुआ था, सडनली पानी आ गया. हम कहे क्या हुआ, भाग करके आए तो देखे यही महाराज थे, चिल्ला रहे थे, एकदम सन्नाटे वाला मोहल्ला रहे. जैसे वो उसमें दिखाते ना, कौन सा है, रेजिडेंस एविल, उसमें दिखाते ना एक सिटी पूरा इन्फेक्टेड हो चुकी है, कोई दूर दूर तक है नहीं, ऐसा एक मोहल्ला कोई वहां पर ना हो, कोई भी ना हो, और वहां पर तुम्हारा सडनली पानी की सप्लाई आ जाए, तुम्हारी आधी जान निकल जाएगी. भले तुम कितने भी हिम्मती हो, आधी जान निकल जाएगी कि इतने सन्नाटे में कौन चिल्ला रहा है. फिर तुमको याद आएगा हिंदी का चैप्टर अगर पढ़े, सन्नाटा बोले साए साए भाए भाए, पढ़े हो उसमें गजब लाइन लिखी हुई थी, सन्नाटा बोले साए साए भाए भाए. सोल्यूशन पहले तो सवाल समझो, सोल्यूशन बाद में हो जाएगा. पढ़ पाए, समझ पाए पिछले सवाल को और इसका कंपैरिजन करो. पिछले सवाल में उसने क्या कहा, पिछले सवाल में उसने कहा कि अगर बीटा टी साइकिल के प्रोडक्ट के तौर पर नहीं लिखा गया था, बीटा खुद कौन था? बीटा एक टी साइकिल था. बीटा कौन थी? एक टी साइकिल थी, मतलब खुद में एक साइकिल है जिसकी लेंथ कितनी है, टी है. और अल्फा आपकी एक टू साइकिल है. तो अगर आप अल्फा बीटा अल्फा की बात करोगे, तुम एक चीज गौर करो, यहां अल्फा बीटा अल्फा नहीं, अल्फा बीटा अल्फा इनवर्स कर दिया है. अगर हम वही बात यहां पर थोप दे तो भी मेरी बात सही थी, बिकॉज अल्फा इज इक्वल टू अल्फा इनवर्स, एवरी टू लेंथ साइकिल इटसेल्फ ओन इनवर्स. तो अगर हम पिछले वाले न्यूमेरिकल में अल्फा को हटा करके राइट साइड में अल्फा इनवर्स कर देते तो क्या कुछ गलत हो जाता, सेम न्यूमेरिकल बना रहता कि ना बना रहता? ठीक. अब चूंकि रिजल्ट और जनरलाइज कर रहे हैं तो पर्टिकुलर केस से बाहर आ रहे हैं. तो पिछले केस में था बीटा खुद में एक टी साइकिल थी, अल्फा एक दो लेंथ की साइकिल थी, तो कहा गया कि साबित कीजिए अल्फा बीटा अल्फा जो भी आए, मुझको ये नहीं पता कि ये क्या आएगा, ये बीटा आएगा कि नहीं आएगा ये भी नहीं पता, ये बीटा कब आएगा, उस दिन जिस दिन ये दोनों टोटली क्या होंगे, डिसजॉइंट, उस दिन अल्फा बीटा अल्फा खुद कौन आ जाएगा, बीटा ही आ जाएगा, ऊपर पुरानी वाली ही टी साइकिल. लेकिन अगर ये दोनों डिसजॉइंट नहीं हुए तो क्या रिजल्ट बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे हैं? बदल रहे हैं. लेकिन ये जो भी आएगा ये कौन आएगा,
टी साइकिल ही आएगा, कुछ नया नहीं आएगा, ये तो पुराना वाला था। अब ये क्या कह रहे हैं, आप इसी फैक्ट को दिमाग में रखिए और आप एक नई बात साबित कीजिए। नई बात क्या है, नई बात यह है कि अगर अल्फा बीटा दोनों एसएन से बिलोंग करते हैं, और बीटा कौन है, बीटा एक ऐसा परम्यूटेशन है जो लिखा जा सकता है रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ के साइकिल्स, टोटल के साइकिल के प्रोडक्ट के रूप में। क्या इन के साइकिल्स को टोटली डिसजॉइंट कहा गया, नहीं कहा गया, बस इतना कहा गया कि बीटा कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ बीटा वन, बीटा टू, बीटा थ्री, अप टू सो ऑन बीटा के, ऐसे प्रोडक्ट के तौर पे लिखा था, जिसमें ये कौन है, ये एक एन वन साइकिल है, कौन है ये एन वन साइकिल, ये कौन है एन टू साइकिल। एन वन साइकिल का मतलब एक ऐसी साइकिल जिसकी लेंथ कितनी है, एन वन, एक ऐसी साइकिल जिसकी लेंथ कितनी है एन टू, और ये एक ऐसी साइकिल है जिसकी लेंथ कितनी है एन के, एन के साइकिल है। तो आप साबित कीजिए कि अल्फा बीटा अल्फा इनवर्स जो निकल करके आएगा, अब आप इस इन पर दोनों साइड से अल्फा और अल्फा इनवर्स को ऑपरेट करा दीजिए, लेफ्ट साइड से अल्फा, राइट साइड से अल्फा इनवर्स, तो बना अल्फा बीटा अल्फा इनवर्स इज इक्वल टू अल्फा बीटा वन बीटा टू सो ऑन बीटा के अल्फा इनवर्स। ये जो नया वाला परम्यूटेशन बन रहा है ना, आप साबित कीजिए ये भी जो कुछ भी आएगा, चाहे जो आए बदल बदल करके सेम टू सेम आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो आएगा ये टोटल के साइकिल का प्रोडक्ट आएगा, जिसमें से पहली साइकिल की लेंथ एन वन होगी, दूसरे साइकिल की लेंथ एन टू होगी, तीसरे की एन थ्री होगी, और लास्ट वाले की एन के होगी। ये कतई नहीं है कि जो साइकिल ऊपर थी वही साइकिल आएंगी, बदल जाएंगी, लेकिन अगर वहां पहले साइकिल की लेंथ एन वन थी तो यहां भी पहले साइकिल की लेंथ क्या रहेगी, एन वन ही रहेगी, भले सिंबल चेंज हो जाए। अगर वहां दूसरे साइकिल बीटा टू की लेंथ एन टू थी तो यहां भी जो भी आएगा उसकी लेंथ क्या होगी, एन टू ही आएगी। क्लियर हुआ कि नहीं, ऊपर वाले का इस्तेमाल करके ये वाली बात साबित करनी है। सवाल समझ में आया, जनरल रिजल्ट है, याद रखना पड़ेगा। चलो फटाफट प्रूफ करके निपटा देते हैं इसको। किसको, अल्फा के बारे में कुछ नहीं कहा, किताब में भी देखो अल्फा के बारे में कुछ नहीं कहा होगा, कहा है केवल अल्फा बिलोंग टू एसएन कहा है ना, और कुछ नहीं कहा। लेकिन पुराने रिजल्ट का इस्तेमाल करना तो अल्फा को ट्रांसपोजिशन मानना पड़ेगा, क्योंकि पुराने रिजल्ट में अल्फा को ट्रांसपोजिशन कहा गया है। ठीक, तो अल्फा को ट्रांसपोजिशन लेना ही पड़ेगा, आपको यहां पर ट्रांसपोजिशन का ही प्रोडक्ट कराना पड़ेगा। चले मिटा दे पूरा, चलो भैया लिखना, लेट बीटा इज इक्वल टू बीटा वन इंटू बीटा टू इंटू बीटा के, लिखना लेट बीटा वन इज इक्वल टू, सॉल्यूशन में लेट बीटा इज इक्वल टू बीटा वन इंटू बीटा टू अप टू सो ऑन इंटू बीटा के, वेयर, जहां पर वेयर बीटा आई इज एन आई साइकिल्स, एन आई साइकिल मतलब समझ रहे हो, एन आई साइकिल क्या मतलब, बीटा आई वो साइकिल है जिसकी लेंथ कितनी है एन आई, आई बराबर एक भरोगे तो बीटा वन की लेंथ एन वन, बीटा टू की लेंथ एन टू, अप टू सो ऑन। डियर को अल्फा बीटा अल्फा इनवर्स इज इक्वल टू, ये कौन होगा, ये होगा अल्फा बीटा वन बीटा टू अप टू सो ऑन बीटा के, और बाहर कौन रहा, अल्फा इनवर्स। ठीक, लिख सकते हैं, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट अल्फा बीटा अल्फा इनवर्स इज इक्वल टू, ये बताओ सोच करके जवाब देना, क्या हम कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं बना सकते हैं, अल्फा बीटा अल्फा इनवर्स है ना, सोचना, अल्फा बीटा अल्फा इनवर्स, अल्फा बीटा टू अल्फा इनवर्स, अल्फा बीटा थ्री अल्फा इनवर्स, ये व्यवस्था बन सकती है कि नहीं भाई, ये दोनों खप गए, हाँ या ना, खप गए तो ऑब्वियस सी बात है क्या बन गया, आइडेंटिटी, तो बीटा वन बीटा टू फिर बीच में आ गया कि नहीं, ये दोनों खप गए तो क्या बन गया, आइडेंटिटी। इस तरीके से करते 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 लास्ट वाला क्या लिखा जाएगा बोलोगे, अल्फा बीटा के और अल्फा इनवर्स, अब यही वाला अल्फा इनवर्स लिया हुआ है, क्लियर हुआ कि नहीं, चलेगा, नोट करो। नाउ मैंने अल्फा को कुछ लिखा ही नहीं, चेक करके देख रहे हैं, दो लेंथ मानना पड़ेगा तो है, अभी हम कुछ नहीं मान रहे, अभी किताब वाले कुछ नहीं माने, हम भी कुछ नहीं मान रहे हैं,
वो खाली इतना कहें, दिमाग में इतना चल रहा है, उन्होंने इतना कहा है कि बाय प्रीवियस एग्जांपल, तो प्रीवियस एग्जांपल में अल्फा दो लेंथ की साइकिल आपने कहा था खुल करके, तो हम अपने दिमाग में ये भी नहीं रख रहे कि हम अल्फा को जबरदस्ती दो लेंथ की साइकिल माने, और ना हम ये कह रहे हैं कि अल्फा दो लेंथ की साइकिल नहीं है, दोनों बातें हम कह रहे हैं। क्या मैंने अल्फा के लिए अभी तक कोई स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया? नहीं किया, यानी अल्फा एक जनरल परमुटेशन ले लिया है। क्लियर हुआ कि नहीं? समझ पाए मेरी बात को? मतलब खुद हमको भी नहीं पता है अल्फा दो लेंथ की साइकिल है या नहीं है, तो हम अल्फा को दो लेंथ की साइकिल मानने का जोखिम भी नहीं उठा रहे। क्यों माने? जब आप ही ने नहीं कहा है तो हम क्यों माने? और अगर मेरी बात कहीं फंसती है तो इसका मतलब है अल्फा को दो लेंथ की साइकिल रखना मेरी मजबूरी बनेगी, तो हम लिखेंगे सिंस अल्फा इज अ ट्रांसपोजिशन, तब लिखेंगे, उसके पहले कहीं लिखने वाले नहीं। समझ में आई बात है? लेकिन हाँ, जब तक किताब नहीं कह रही तब तक हम भी नहीं कह रहे कुछ भी। समझ में आई बात है? चलो अब इसके बाद ये बताओ, ये जो कुछ भी आएगा, जो कुछ आएगा, मेरे को नहीं पता क्या आएगा, लेकिन आएगा तो एक परमुटेशन ही, और हम जानते हैं एवरी परमुटेशन कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। दो दो लेंथ की साइकिल के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है, हाँ या ना? लिखना इसी बात को, लिखना। Now, since every permutation can be written as product of transposition, ट्रांसपोजिशन। अब चूंकि जितने भी परमुटेशन होते हैं वो एक ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट के तौर पर लिखे जा सकते हैं, तो एक काम करो, अल्फा के साथ भी यही दौर लगाते हैं। ये बताओ, अल्फा दिया तो गया नहीं है, क्या है? अगर अल्फा ट्रांसपोजिशन होता तो मेरा दर्द ही खत्म था, वो खुद में ही ट्रांसपोजिशन, हमको केवल बीटा बदलना पड़ता। लेकिन अगर अल्फा ट्रांसपोजिशन ना होता तो क्या अल्फा भी एक परमुटेशन होता और उसको भी ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट के तौर पर लिख पाते कि ना लिख पाते? यानी हम लोग लिख सकते हैं देन लेट माना अल्फा इज इक्वल टू अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री, अप टू सो ऑन, ऐसे कुछ। क्योंकि अल्फा फाइनाइट लेंथ का होगा तो इसका मतलब जितने ट्रांसपोजिशन निकलेंगे वो भी फाइनाइट ही होंगे, तो अल्फा वन इंटू अल्फा टू इंटू अल्फा थ्री अप टू सो ऑन, कुछ मान लो लास्ट में जैसे चलते हुए अल्फा एम मान लेते, अल्फा एम, ठीक, वेयर, जहां पर वेयर ईच, प्रत्येक अल्फा जेस आर ट्रांसपोजिशन। अभी फिलहाल पिछले न्यूमेरिकल का कोई इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, पिछले न्यूमेरिकल की मैंने उस बात को भी नहीं इस्तेमाल किया जहां पर अल्फा को ट्रांसपोजिशन कहा गया था, हम नहीं लेके चल रहे। आप जब तक नहीं कहे हो तब तक नहीं मान रहे, तब तक हम इंडिपेंडेंट होकर के सोच रहे हैं। अल्फा को हमने ये कह दिया और रिजल्ट वही है, हर परमुटेशन ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट के तौर पर लिखा जा सकता है, इसलिए ऐसी बातें लिखी जा सकती हैं। अच्छा, अगर ये है तो इसका मतलब सोचो अल्फा इनवर्स क्या होगा। दिस इंप्लाइज दैट अल्फा इनवर्स इज इक्वल टू, कोई मेरे को बताएगा अल्फा इनवर्स कौन होगा? अल्फा इनवर्स का मतलब होल टोटल का इनवर्स, और होल टोटल का इनवर्स रिवर्स ऑर्डर में खुलेगा, तो अल्फा एम इनवर्स, अल्फा एम माइनस वन इनवर्स, सो ऑन, अल्फा वन इनवर्स। लेकिन अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा एम ट्रांसपोजिशन है, एवरी ट्रांसपोजिशन इटसेल्फ ओन इनवर्स, तो हम बस यही साइन पलट दें बस काम हो जाएगा कि नहीं? तो यानी अल्फा एम माइनस वन अप टू सो ऑन, अल्फा थ्री, अल्फा टू, अल्फा वन। सहमत हो? जिनको जरा सी कंफ्यूजन होगी भूलने का डर ना, वो लिख देंगे अल्फा इनवर्स इज इक्वल टू अल्फा एम का इनवर्स, अल्फा एम माइनस वन का इनवर्स, सो ऑन, अल्फा थ्री इनवर्स, अल्फा टू इनवर्स, अल्फा वन इनवर्स, एंड दिस इज इक्वल टू अल्फा एम माइनस वन, सो ऑन, अल्फा टू, अल्फा वन, सिंस अल्फा इज ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपोजिशन इंप्लाइज दैट अल्फा इनवर्स इज इक्वल टू अल्फा, सॉरी अल्फा नहीं, अल्फा जे, अभी बवाल हो जाएगा, अल्फा तो शुरुआत में मान के चले हैं। आप समझ में आया? सन्नाटे में कुछ आवाज आ रही है, मच्छर मारने वाली दवा, और या तो कहीं जैसे बाइक जा रही हो। इतने सन्नाटे में गांव में दलान में भौरा आता था और कान के पास भन 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 करता रहता था,
हम एक बार वो गांव में लैया नहीं दाना होता है तो दाना चबा रहे थे और आ गया। मेरे को सबसे ज्यादा डर उड़ने वाली चीजों से लगता है, ये तो जग जाहिर है। भाग गए मौनी ओनी छोड़ करके, उसी मौनी में गुड़ था, उसके बाद चटनी वटनी जो रहती है खाने वाने अचार था, गुड़ अचरा उसे खाया जाता था, सब छोड़ के भाग गए। फिर दूर से देख रहे थे और वो इतना दुष्ट था, 20-25 मिनट तक वहीं भनभनाता रहा, गया भी नहीं क्या। हम 20-25 मिनट बाद आए, हम मौनी लेके भागे, फिर हम खुले में खाना शुरू किया, फिर दलान में बैठे नहीं किए, हम कौन बैठेगा दलान में, फिर आ जाएगा, फिर खाने में भाग जाएंगे, इतनी देर इंतजार नहीं होता। मिटाए यही, बस इतना मिटाएंगे क्योंकि ये याद रहेगा। मिटा दे, रोहित हो गया। दलान नहीं जानते हैं ना, दलान नहीं जानते, तुम लोग भी दलान नहीं जानते, दलान नहीं जानते। हरी राम राम। बड़ा दुख है, सुनो, जैसे ये घर है, ये घर है ठीक है, ये घर का मेन दरवाजा है, यहां से आप ये डढ़ी हुई है इसको पार किए, तो होता क्या है ना, एक इतना दूर ऐसे चौड़ा सा हिस्सा, वो इतना चौड़ा था जैसे अब जिसके पास जैसी जगह हो वैसा बनाता है। हम लोगों के गांव में जो घर था, ये कमरा जितनी चौड़ाई दिख रही है ना, ऐसे ऐसे दो कमरे की चौड़ाई के बराबर छोड़ दिया जाता है, एक बड़ा सा कमरा छोड़ दिया जाता है, बहुत बड़ा सा, और घर की जितनी लंबाई होती है, जैसे वो चौड़ाई जितनी होती है, वो पूरी चौड़ाई में छोड़ा जाता है, ये नहीं कि उसके पीछे कमरे होंगे ना, पूरी चौड़ाई में छोड़ दिया जाता है। तो ये पूरा इतना हिस्सा छोड़ दिया गया। अब यहां से आंगन शुरू होता है, यहां किनारे किनारे कमरे बने होते हैं, तो इसको दलान बोलते हैं। इसका यूज क्या होता है, दलान में नॉर्मली यहां पर आलू वगैरह आम वगैरह बिन के लाया जाता है, जमीन पे ही फैला रहता है, जमीन पे ही। यहाँ किनारे पर ट्यूबवेल के सामान वगैरह रख दिए जाते हैं, यहाँ एक ठो लकड़ी की वो लाठी बांध दी जाती है, उसी लाठी पे रजाई उजाई रख दी जाती है, तो दलान में यही सब कुछ रखने में इस्तेमाल किया जाता है। स्टोर रूम जानते हो ना, स्टोर रूम, गांव का स्टोर रूम दलान होता है ठीक है, लेकिन स्टोर रूम नहीं होता, वहां लोग सोते वगैरह भी है, चारपाई उरपाई, जो गांव के बुजुर्ग, वो घर में जो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं वो अक्सर दलान में सोती हैं, अक्सर वो अपने भीतर में नहीं सोती हैं, भीतर मतलब कमरा, वो दलान में सोती हैं। और जितने छोटे बच्चे होते हैं ना, वो उसी के उन्हीं के चारों तरफ कुत्ते के पिल्लों की तरह कहानी सुनने के लिए लाइन लगाए रहते हैं। हम लोग इसी कैटेगरी में थे, दादी हमारी ऐसे सोती थी, हम लोग इन्हीं के चारों तरफ पिल्लों की तरह पूं 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 किए रहते थे, कहानी सुनने के लिए पड़े रहते थे। और ये इसलिए यहां होता था क्योंकि ये सेंटर पॉइंट होता था। अब घर के बाहर जो खाली जमीन होती थी, जो द्वार बोलते थे, उधर घेरा रहता था, तो जितने भी घर के जेंट्स होते थे वो यहां पर सोते थे, बाहर खुले में खटिया पड़ी रहती थी चारपाई, और उस पर वो लोग सोते थे। ये यहां बीच में, तो बच्चे बीच में है सुरक्षा घेरा में, इधर मम्मी लोग होती थी, अगर कोई बहुत ज्यादा चें 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 रोना शुरू किया तो टंगरी पकड़ के उठाओ उनके पास छोड़ाओ, तो ये इधर होते थे, तो बस ऐसे ही बट जाता था तीन हिस्से में। अब कुछ भी हो, तो बाहर ये लोग मौजूद हैं, यहाँ पर बूढ़ी दादी लोग मौजूद हैं, यहाँ पर मम्मी लोग मौजूद हैं, घर के तीन हिस्से, बंटवारा यही है ना? लेकिन ये अच्छा बंटवारा था। हाँ, घर से अलग मड़हा बोलते हैं उसको, उसको मड़हा बोलते हैं, छप्पर लगा रहता है। हाँ हाँ, नहीं उसको दलान नहीं बोलते हैं, दो मिनट रुको बताएं, उसका नाम याद कर रहे हैं, उसको दलान नहीं बोलते हैं। अब डोरेमोन के दिन है, लिखना भैया, अल्फा तो मान लिए ना, अब फिर वापस अल्फा बीटा अल्फा इनवर्स में ये सब भरो, लिखना नाउ नाउ अल्फा बीटा अल्फा इनवर्स इज इक्वल टू, अच्छा या तो एक काम करो सुनो आसान, अल्फा बीटा अल्फा इनवर्स बाद में लिखना, अल्फा बीटा अल्फा इनवर्स बाद में लिखना, पहले ये वाला लिख लो, अल्फा बीटा आई अल्फा इनवर्स, पहले ये वाला लिख लो, तो अल्फा बीटा आई अल्फा इनवर्स, इनकी बात करते हैं। अल्फा एक्चुअल में कौन है बताओगे, अल्फा एक्चुअल में है अल्फा वन अल्फा टू सो ऑन अल्फा, माने कि नहीं, और फिर यहां पर कौन लिखा गया है बीटा आई, हम एक साथ सबको निपटा देंगे, अगर मैंने बीटा आई डील कर लिया तो मैंने बीटा वन डील कर लिया, बीटा टू बीटा थ्री बीटा फोर सबको डील कर लिया, यानी मैंने अल्फा बीटा वन अल्फा इनवर्स डील कर लिया, अल्फा बीटा टू अल्फा इनवर्स डील कर लिया, अल्फा बीटा थ्री अल्फा इनवर्स सब डील हो गए, अगर एक डील हो जाए तो ये हुआ। और इधर क्या बने, इधर अल्फा इनवर्स कौन है बताओगे, अल्फा एम माइनस वन अप टू सो ऑन, कितना, अल्फा थ्री अल्फा टू अल्फा, सोच के जवाब देना, अच्छी चीज ये है
कितने लेंथ की साइकिल? टू लेंथ की। कितने लेंथ की साइकिल? टू लेंथ की। ये कितने लेंथ की? हाँ, बीटा आई कितने लेंथ की? एनआई लेंथ की साइकिल। तो इसका मतलब ये ओवरऑल एनआई साइकिल हुआ कि नहीं हुआ? एनआई साइकिल हुआ। अब दिमाग में बात समझना, ये है एनआई साइकिल, इधर कौन बैठा है? अल्फा एम माइनस वन, और यहां पर कौन बैठा है? अल्फा एम माइनस वन। हाँ या ना? तो क्या तुमको सेम अल्फा बीटा अल्फा वाली बात नजर आ रही है पीछे वाले की? तो ये बताओ ये कौन हुआ एनआई साइकिल? मान रहे हो कि नहीं? ड्यू टू प्रीवियस न्यूमेरिकल या बाई प्रीवियस न्यूमेरिकल, यहां लिख देते हैं बाई प्रीवियस, बाई प्रीवियस न्यूमेरिकल, बाई प्रीवियस न्यूमेरिकल। तो ये भी एनआई साइकिल भैया। इस तरीके से आप बढ़ते चले जाओ तो लास्ट में ये वाला जो आएगा, ये पूरा अप टू सो ऑन, अप टू सो ऑन, ये भी क्या होगा? एनआई साइकिल। हाँ या ना? तो इसका मतलब यहां पर लिख दें एनआई साइकिल, एनआई साइकिल, यानी तय हो गया अल्फा बीटा आई अल्फा इनवर्स एनआई लेंथ की साइकिल है। हाँ या ना? तो अल्फा बीटा टू अल्फा इनवर्स, इसके बारे में बताओ, इसके बारे में, ये कितने लेंथ की साइकिल है? एन वन लेंथ की। ये कितने लेंथ की? ये, तो ये बताओ अल्फा बीटा अल्फा इनवर्स एन वन लेंथ की, एन टू लेंथ की, एन थ्री लेंथ की, एन के लेंथ की साइकिल का प्रोडक्ट हो गया कि नहीं हो गया? प्रूफ हो गया, डन। समझ में आई बात रोहित? कंफ्यूज? समझ में आया? नहीं आया हो बताओ, आया? इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट अल्फा बीटा अल्फा इनवर्स इज प्रोडक्ट ऑफ, इज प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ एन वन साइकिल कॉमा एन टू साइकिल कॉमा अप टू सो ऑन एन के साइकिल। हो गया भैया, रिजल्ट प्रूफ, डन। अल्फा ट्रांसपोजिशन हो चाहे ना हो, मुझको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, काम हो गया मेरा बिना ट्रांसपोजिशन माने। कंफ्यूज हो जाएगा यहीं पर ना, आई की जगह पर वन भरो तो एन वन साइकिल हो गए, टू भर दो एन टू साइकिल हो गई, थ्री भर दो एन थ्री हो गई, के भर दो एन के हो गई। तो हम इकट्ठे लिख दिए सबको, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है एन वन एन टू एन थ्री एन के लेंथ की साइकिल का प्रोडक्ट है। सहमत हो आप? अब इस रिजल्ट को याद रखना, ठीक। एक फरवार होता था, फरवार जानते हो? गांव में फरवार कहते हैं, फरवारे में गांव है, गांव की भाषा है सब कुछ वहां ही। घर के थोड़ा पीछे की तरफ में या घर के बगल के हिस्से में जहां बांस या महुए वगैरह के पेड़ वगैरह होते थे, बगिया नहीं, बगिया अलग होते थे, उसको फरवार बोलते थे। अक्सर चक्की उक्की वहीं पे लगी होती थी, घर के कोई वैसे प्रयोजन होते थे उसी तरफ होते थे, उसको फरवार बोलते थे। वो बगिया होती थी बगिया ही, लेकिन वो खास प्रयोजन के लिए ही इस्तेमाल की जाती थी। मिटाया जाए अगर हो गया हो तो, ये भी काम खत्म। गांव वाले ऐसे कुछ नाम अपने आप से भी रखते थे, जैसे हम लोगों के गांव के ना थोड़ी काफी दूर से, नजदीक से नहीं काफी दूर से, एक ट्रेन की वो गई थी, पटरी गई थी, वो ठंडी वंडी में ट्रेन की आवाज बहुत दूर से सुनाई देती है, जैसे रेलवे स्टेशन यहाँ से कितनी दूर है, लेकिन जब ठंडी में ट्रेन आती है वहां पे अनाउंसमेंट होता है तो यहां तक आवाज आती है। जैसे ठंडी आ रही है तो वहां अनाउंसमेंट होगा, यहां तक आवाज आएगी। अब सोचो सिटी में इतने मकान बने तो आवाज आ रही है, गांव में तो एकदम पन्न रहती है, खाली खाली, तो आवाज आती है। तो एग्जैक्ट 8:30-9 बजे एक ट्रेन जाती थी, एग्जैक्ट 8:30-9 बजे, उसको ना अदहन दहिया बुलाते थे गांव में ना, अदहन दहिया, अदहन जो डाला जाता था चावल का, उसी की आवाज सुन करके डाला जाता था। अब सोचो अगर ट्रेन लेट होगी 11 बजे ना, तो 11 बजे खाना बनेगा, ये वाली सिचुएशन थी। लेकिन कहते भैया अदहन दहिया जाती है। 52 लिखना, फॉर गिवेन अल्फा बीटा बिलोंग टू एस एन, बीटा अल्फा बीटा इनवर्स एंड अल्फा आइदर बोथ इवन, आइदर
बोथ इवन, आइदर बोथ इवन और बोथ ऑड। कह रहे हैं अगर अल्फा बीटा दोनों एसएन के मेंबर हो, क्या है क्या नहीं इससे कोई लेना देना नहीं, दोनों किसके मेंबर हो, एसएन के, तो जो बीटा अल्फा बीटा इनवर्स तैयार होगा, मतलब अल्फा को आप बीटा बीटा इनवर्स के बीच में सैंडविच कीजिए, ये जो तैयार हुआ और जो अल्फा था, या तो ये दो के दोनों इवन होंगे और या तो दो के दोनों क्या होंगे, ऑड होंगे। अब इसका जवाब दो, आइदर बोथ इवन और बोथ ऑड आया है कि नहीं आया है, कैसे? हाँ, मतलब ये काम करें, पहले यहां पर सॉल्यूशन में यहां पर लिखें अल्फा, यहां पर लिखें बीटा, यहां पर लिखें बीटा इनवर्स, यहां पर बीटा अल्फा बीटा इनवर्स, यही। अब अल्फा को पहले हम कहते हैं अल्फा कौन है, इवन, हाँ अच्छा उससे ठीक है, इवन को प्लस कहें तो बीटा भी क्या कहें, अभी प्लस कहें, फिलहाल हम दोनों को प्लस मान रहे हैं, तो अगर बीटा इवन है तो बीटा इनवर्स इवन, तो इसका मतलब प्लस इंटू प्लस इंटू प्लस, रिजल्ट विल बी प्लस। आपको यहां पर मार्किंग करते जाना है दोनों इवन आया कि नहीं आया। फॉर गिवन अल्फा बीटा बिलोंग टू एस एन, आइदर बोथ इवन और बोथ ऑड। अब की बार देखते हैं, प्लस माइनस और ये माइनस, क्योंकि ये ऑड तो वो भी कौन, ऑड, तो इसका मतलब प्लस माइनस माइनस, माइनस का मतलब ऑड, प्लस का मतलब इवन, और ये आया कितना, प्लस, तो सोचो इवन इवन दोनों साइड। अच्छा फिर अब ये दोनों इवन निपट चुका, ऑड 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 ऑड, रिजल्ट विल बी ऑड, अभी भी पास कर गया, आया ना, अच्छा ऑड इवन, ये इवन ही रहेगा, ऑड इवन इवन रिजल्ट ऑड, ये भी ऑड ये भी ऑड, और कोई कॉम्बिनेशन बचा, बस हो गया। तो हर बार अल्फा एंड बीटा, सॉरी अल्फा एंड बीटा, अल्फा बीटा इनवर्स हैव द सेम साइन, सेम साइन का मतलब हैव द सेम नेचर, आइदर बोथ इवन और बोथ ऑड, लिख डालो यही सही है। Above table show that either alpha beta inverse both even or both odd. समझ आया नहीं आया? बराबर आ रहा है, मतलब साइन सेम आ रहे हैं। किसमें कुछ गलत किए, सेकेंड वाला, अच्छा सॉरी बीटा पहले लिखना था, माइनस प्लस माइनस लिखना था मेरे को, बीटा अल्फा बीटा इनवर्स, अब सही है, बाकी सब ठीक है कि वो भी गलत है कहीं, बाकी सब ठीक ना, बाकी सब ठीक, नहीं लास्ट वाला भी तो गलत है, लास्ट वाला मैंने सेम साइन उठा लिया है, अब ठीक है, नहीं मेरी भावनाएं वहां पर बह गई, सही क्या होती, खोखी आ रही, वो भी कौन सी, कुकुर खसिया जो एक बार रुक के आए थोड़ी देर में फिर आए, वो कुकुर खसिया थोड़े होती है, हाँ नहीं ये तो सीबीएसई बोर्ड वालों की सभ्य भाषा है, यूपी बोर्ड वालों कहा जाता है खारे कुकुर खान खासत है, हम लोगों का ऐसे ही बचपन कह दिया जाता था, बेइज्जत होकर के भी इज्जत महसूस करते थे। हाँ? कौन कहा, टोनी स्टार कहते, कभी कहते इसको सही में, हाँ याद आया हो गया, लास्ट लाइन लिख देना, हियर बी सी दैट या दिस टेबल गिव दैट, दिस टेबल गिव दैट, यही लिख देना, बीटा अल्फा बीटा इनवर्स एंड अल्फा Either both even or both odd. इतने से लेके इतने तक यही छाप डालो, तुम लोगों की कॉपी में लिखा हुआ है, बीटा अल्फा बीटा इनवर्स एंड अल्फा, either both even or both odd.
गणपत साहब नोटिस। एडमिशन एडमिशन हो जाए तो बताओ मिटाया जाए। तिरपन 53 इसमें कह रहा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर स्मॉल एन। कल आइसोमॉर्फिज्म शुरू करेंगे, तय है, सच दैट एस एन हैज एन एलिमेंट, एस एन हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन टू एन क्वेश्चन मार्क। बोल भैया, कह रहे व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन, वो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर कौन है जिसको लेने पर Sn एक ऐसा एलिमेंट रखेगा जिसका ऑर्डर 2n से ज्यादा हो जाएगा 9 पर, उसके पहले कहीं आने वाला नहीं है, वो पार्टीशन करके ही देखना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है, ठीक है, कोई भी रास्ता नहीं है। 1 आप लोगे, एक ही सिंबल है तो केवल आइडेंटिटी परमुटेशन मिलेगा, ठीक, तो पार्टीशन ऑफ 1 1 होता है। 2 लोगे तो 2 पर क्या होगा, ये कुछ ऐसा लिखा जाता है, 1 की चर्चा ही मत करो, 1 को हटाओ सीधे सीधे। तो अगर आप यहां पर ना पार्टीशन ऑफ 2 करोगे, देख लो बस खाली पार्टीशन ऑफ 2, तो 2 का पार्टीशन क्या आता है, एक तो 2 आता है और फिर कितना आता है, एक और एक आता है। इसका मतलब देयर डज नॉट एग्जिस्ट, यहां जो एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे उसका ऑर्डर या तो 2 होगा और या तो कितना होगा, 1 होगा। तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स बिलोंग टू एस टू सच दैट द ऑर्डर ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एस टू, का ऑर्डर कितना होगा, फैक्टोरियल 2 यानी, कोई ऐसा एलिमेंट नहीं जिसका ऑर्डर 2 को पार करे। समझ पाए कि नहीं समझ पाए, फिर आप कहोगे यही बात पार्टीशन ऑफ 3, पार्टीशन ऑफ 3 करोगे तो भैया 3 आएगा, इसके बाद 2 आएगा और 1 आएगा, फिर 1 आएगा, 1 आएगा और 1 आएगा, ये पार्टीशन सीख पाई हो, ये आ गया। तो यहां पर फिर वही, यहां एलिमेंट का ऑर्डर 3 आएगा, 2 आएगा और 1 आएगा। S3 का ऑर्डर कितना है, S3 का ऑर्डर 6 है, आपने n बराबर 3 लिया, n बराबर 3 पर Sn का ऑर्डर कितना आ गया, 6 आ गया, और क्या यहां 6 ऑर्डर का कोई एलिमेंट है, सब 6 से कम है, और ये कह रहे हैं कि Sn has an element of order greater than 2n, greater than 2n, तो ये बताओ अगर यहां ऑर्डर 2 था तो 2n कौन होता, 4, या 4 से बड़े ऑर्डर का कोई एलिमेंट है, नहीं है, तो यहां पर आप ना ये कहोगे 2 into 2, 2n, यहां कहोगे देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स बिलोंग टू एस थ्री सच दैट द ऑर्डर ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 2 into 3, कोई ऐसा नहीं होगा। सेम सिचुएशन आप किस पर करोगे, 4 पर, वहां भी ऐसे ही लिखोगे, मतलब पार्टीशन ऑफ 4 ये करोगे, बस हम इतना लिखेंगे इसके बाद हम सीधे 9 पर आ रहे हैं। तो यहां पर देखना 4, फिर कितना, 3 लेंथ की साइकिल, 1 लेंथ की साइकिल, यानी यहां पर ऑर्डर 4 होगा, यहां ऑर्डर 3 होगा, फिर अगले में क्या होगा, 2 2, एक काहे के लिए, अच्छा 2, फिर कितना, 1, फिर 1, फिर 1 1 1 1, और फिर वही बात लिखोगे देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स बिलोंग टू एस 4 सच दैट द ऑर्डर ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 2 into 4, 8 से बड़े ऑर्डर का कोई नहीं है, सब 8 से कम ही आ रहे हैं। ये करते करते 9 तक जाओगे, 9 में कहानी बनेगी जब आप पाओगे कि एक ऐसा एलिमेंट मिला जिसका ऑर्डर 9 दुनी 18 को पार कर गया है। समझ पाए, ये काम तुमको करना है, कर लोगे, कितना ऑर्डर आया है,
ऑर्डर कितना आया है एलिमेंट का? 20, 21, 7, 3, 10, 5 और 4 कितना? 5 और 20, हाँ वहां पर, और उसका 9 दुनिया 18 से ज्यादा ऑर्डर आया है। क्लियर हुआ? कंटिन्यूइंग सही स्पेलिंग भूल गए, इन दिस वे, कंटिन्यूइंग इन दिस वे, इस तरीके से आगे बढ़ते हुए, इन S9 वी गेट 5, 4, ठीक, दैट इज, अर्थात देयर एग्जिस्ट एक्स सच दैट द ऑर्डर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 20 विच इज ग्रेटर देन 2 × 9 दैट इज इक्वल टू 18, सो रिक्वायर्ड इंटीजर एन इज इक्वल टू 9, बस इतने पे रोक देना। चाचा फोन किए, रोक दो उसी पे। देयर डज नॉट एग्जिस्ट लिखे हैं यार, तुम लोगों को काहे नहीं दिख रहा है? लिखा तो है क्या?